ओके आई थिंक सब कुछ ठीक है। आवाज वाच, हेलो हाउ आर यू, हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं? बच्चों आप सभी का एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। और ये पता ही है बच्चों, हम लोग का ये संडे स्पेशल है जिसमें हम लोग सिंगल शॉट वीडियो, मतलब एक ही शॉट में, मतलब एक ही सिंगल सेशन में आपके ये पूरा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाता है। और ऐसे भी अभी ये नीट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है बच्चों, तो आपकी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फास्ट रिविजन्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी वन शॉट वीडियो काम आ सकता है। किस तरह से? एक शॉर्ट रिविजन्स के तौर पे, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोग डिटेल में कर सकते हो। तो जो लोग रिविजन करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर से अवेयर होना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। दोनों के लिए अच्छा है ये चीज़। क्लियर है बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जो है उसी को हम लोग कर रहे हैं। इसमें ये क्लास 12th का है और नीट 2021 के टारगेट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। एनीवे चलो स्टार्ट करें। उससे पहले बच्चों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाइएगा आप लोग। ओके तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। एनीवे ये बच्चों सेशन जो है, ये जो चैप्टर हम लोग का है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। बट मैं स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ चीज़ें ओवरऑल आपको बताना चाहता हूँ, ताकि उस चैप्टर को पढ़ते समय आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। जैसे बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हो सकते हैं, नहीं होंगे कुछ लोग, जैसे इसमें स्पोरोफाइट क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये गैमेटोफाइट्स क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा कि बच्चों अगर ये क्लास 11th में आपने प्लांट किंगडम अगर पढ़ा होगा तो प्लांट किंगडम चैप्टर में आपको बताया जाता है कि जो प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसमें दो प्लांट बॉडी होता है तुम्हारा, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। ओके तो स्पोरोफाइट बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट, इन सब चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो गेमेटोफाइट होता है वो एंजियोस्पर्म में स्पेशली हाईली रिड्यूस्ड होता है, उसमें सिर्फ जैसे ये टू सेल स्ट्रक्चर हो गया या फिर सेवन सेल स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से रहता है। ओके और इसमें एक चीज और होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो प्लांट क्या करते हैं अल्टरनेटली स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनाते रहते हैं। इस वजह से इस चक्कर में क्या होता है कि जो लाइफ साइकिल होता है एंजियोस्पर्म्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसी लाइफ साइकिल्स को बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ए टू जेड डिस्कस करते हैं। हेलो ठीक है, बट जो आपका स्पोरोफाइट का रूट, स्टेम, लीफ है ये चीज़ तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको अगर करना हो तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर उसमें से आपको करना पड़ेगा। बट हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं रिप्रोडक्शन पे फोकस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में अगर फोकस करते हैं बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो एंजियोस्पर्म्स का होता है वो होता है फ्लावर, और फ्लावर में ही हमको मिलेगा क्या, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मिलता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम हो गया आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और गाइनोशियम हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और एक एक यूनिट उसका जो होता है बच्चों, इसमें आपका जैसे बोलते हैं गाइनोशियम्स का जो रिप्रोडक्टिव एक सिंगल यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं कार्पल, और कार्पल में देखो यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर आपका न्यूसेलस, और न्यूसेलस में आपको मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल्स, और इसी मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है तब जाके बनाता है ये मेगास्पोर, समझ आ रहा? तो ये मेगास्पोरेंजियम्स को रिप्रेजेंट करा जहाँ पे ही होता है। फाइनली इसी से एम्ब्रियो शेक बनता है। और इधर अगर मेल पार्ट को अगर लेके चलते हैं तो एंथर, तो एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसी के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तब जाके माइक्रोस्पोर बनाता है, और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है। पॉलिनेशंस के बाद यही पॉलन ग्रेन्स बच्चों स्टिग्मा पर लैंड करता है, और इसमें से ये दो मेल गैमेट ट्रांसफर करता है इंटू द एम्ब्रियो सेक जहाँ पे एग ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और ये फर्टिलाइज करके जायगोट बनाएंगे, और जायगोट फाइनली एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से सीड डेवलप होता है, और इसी सीड के जर्मिनेशन से आपको एक स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो देखो स्पोरोफाइट से क्या बना, यहाँ पे स्पोर बना, अब इसी स्पोर्स के क्या होता है गैमेट बनते हैं, स्पोर डेवलप होकर स्पोरो गैमेटोफाइट में, और गैमेटोफाइट्स के अंदर गैमेट बनता है, ठीक है ना? तो गैमेटोफाइट डेवलप हो, अब ये गैमेटोफाइट्स में जो गैमेट है फ्यूज करके जायगोट फॉर्म करेंगे, और जायगोट बच्चों क्या करेगा ये वापस चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है।
तो यही पूरा जो प्रोसेस मैंने अभी बोला बच्चों, यही पूरा प्रोसेस क्या होता है इसी रिप्रोडक्शन चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग चैप्टर में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करते हैं। इसी को क्या करते हैं, कंप्लीट डिस्कस करते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। तो लेट स्टार्ट विद द फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। तो एज वी नो दैट कि फ्लावर जो होता है बच्चों, ये एंजियोस्पर्म्स का वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, और ये बेसिकली क्या होता है, हाईली कंडेंस रिप्रोडक्टिव सूप होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स का। क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। हाँ बच्चों, आप लोगों में से अगर किसी को किसी तरह का डाउट अगर रहता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख देना। अभी लाइव क्लास है तो मैं लाइव जवाब दे दूंगा, बट अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो तब भी कमेंट कर दो। इन केस अगर अच्छा लगा क्वेश्चन तो मैं जवाब जरूर दे दूंगा आपको। ओके एनीवे, तो इसमें क्या बोला, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हो गया कौन सा, इसमें फ्लावर हो गया। और इसी फ्लावर में बच्चों हम लोगों को मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जैसे ये स्टामेन है, स्टामेन में एंथर और फिलामेंट हो गया, दैट्स रिप्रेजेंट्स करता है मेल पार्ट को। और ये है कार्पल, कार्पल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हम लोगों को, ये हो गया फीमेल पार्ट, हो गया कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो कार्पल है, ये कार्पल या स्टामेन, तो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कार्पल बेसिकली क्या होता है, ओवरी, ओवरी इसके अंदर होता है बेयरिंग ओव्यूल्स, स्टाइल और स्टिग्मा इसके साथ बना रहता है। स्टामेन जो होता है फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव्स इसके साथ जुड़ा रहता है। ये पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है। तो कनेक्टिव भी इसी का पार्ट है, क्योंकि आगे जब टीएस करके मैं दिखाऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये कनेक्टिव्स क्या है, याद रखना। और इसी तरह से स्टिग्मा को और कार्पल का एक और नाम है बच्चों, इसको ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल बेसिकली वर्ड जो आता है स्पोर बेयरिंग लीफ के लिए आता है। अब यही जो स्पोर बेयरिंग लीफ है बच्चों, स्पेशलाइज्ड हो गया, मॉडिफाइड हो गया, और क्या बना दिया है इसने, स्टामन बना दिया है। इसी से क्या बन गया है, स्टामन फॉर्म्ड हो गया है, और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके चलो अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। एज वी नो दैट कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो गायनोशियम, सॉरी एंड्रोशियम होता है, और एंड्रोशियम का जो मेन सिंगल यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन्स कहते हैं। स्टामेन एंथर और फिलामेंट में बटा हुआ रहता है, ऑलरेडी नो, एंथर इसमें फर्टाइल पार्ट होता है और फिलामेंट जो होता है वो स्टराइल पार्ट होता है, स्टराइल पार्ट होता है, मतलब दैट्स आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शंस। समझ में आ रहा? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में अगर हम देखेंगे बच्चों, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में तो एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है, इसको हम लोग बाइथिकस कहते हैं। ओके और दूसरा इसके अंदर इस तरह से देखो, एक दो तीन चार, चार यहाँ पे चैम्बर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, तो यहाँ पे फोर माइक्रोस्पोरेंजिया आता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा जाता है इस चीज को। क्लियर है? एनीवे अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें जो एंथर है उसके एंथर के वाल को डिस्कस करते हैं। तो एंथर के वाल को जब देखेंगे, देख बट्टा लो, ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपके एनसीईआरटी में एकदम एज इट इज उसको पढ़ लिया करो, देख लिया करो। जैसे टिपिकल स्टैमेंस क्या होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक कॉल फिलामेंट्स। तो फिलामेंट पूछ रहा है कि क्या होगा, तो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। उसी तरह से एंथर क्या होगा, एट द टर्मिनल ऑफ दैट स्टामेंस क्या होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंथर कहते हैं। तो ये हो गया एनसीईआरटी का लैंग्वेज, बाकी ऐसा तो समझ में आ ही रहा है, तो थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ वो आपका 100% एनसीईआरटी है। थोड़ा एक दो चीजें एक्स्ट्रा अगर हो सकता है, बट वैसे मैंने मिनिमम से मिनिमम रखा है इसमें। ठीक है, आपको 100% एनसीईआरटी तो 100% होगा, एक्स्ट्रा अगर होता है तो अलग बात है, बट एनसीईआरटी की गारंटी है यहाँ पे। क्लियर है? अब आ जाओ इसमें, अगर हम ध्यान से देखते बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये तो स्पोरेंजिया हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोर फॉर्मिंग बॉडी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज को कहा जाता है स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया जो है ये इसी बाइलोब स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है, कहाँ पे, इसी बाइलोब स्ट्रक्चर्स के अंदर में प्रेजेंट होता है। अब ये स्पोरेंजिया सराउंडेड है एक वाल से, जिसको हम लोग एंथर वाल कह सकते हैं। ये सब जो दिख रहा है ना, ये क्या है, एंथर वाल होता है।
और एंथरवाल जो सराउंड करता है स्पोरेंजिया को, अब जब इसमें फाइनली स्पोर बन जाएगा, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन से पैक्ड हो गया है, तब ये क्या करेगा बच्चों, ये आगे चल के पोलन शेक कहलाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है फर्दर डेवलप इन द पोलन शेक, तो पोलन शेक में फर्दर यही पार्ट जो होता है डेवलप होता है। पोलन शेक का मतलब हो गया पोलन स्टोरिंग स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर अगर पॉलन डेवलप हो रहा है तो वो पॉलन उड़ के अब तो भागेगी नहीं जल्दी, अभी तो पहले वहीं पे जमा रहेगा, बाद में वहां से डिस्पर्स होता है, और डिस्पर्शन के लिए इसके वाल जो होता है बाद में टूटता है, तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ डहसेंस। डहसेंस का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर जगह से पॉलन जो होता है ना, ये पॉलन सॉरी एंथर जो होता है वो स्प्लिट करेगा और स्प्लिट करके यहाँ से बाहर रिलीज होता है। समझ में आ रहा है? एनीवे तो ये हमारा जो बच्चों चल रहा है, क्या चल रहा है, संडे स्पेशल चल रहा है, जिसमें मैं पर एवरी संडे, ठीक है ना, एवरी संडे मैं एक टॉपिक पूरा कंप्लीट डिस्कस करता हूँ। तो हो सकता है कि ये लेक्चर हो कि आपका 1.5 घंटे के आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो बी पेशेंस, पढ़ाई करना है तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे चैनल का ये स्लोगन है बच्चों, नो बकवास सीधी बात, तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। टाइम पास करना है तो बहुत सारे इंटरटेनिंग चीज़ें मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे ही, उसको भी देख सकते हो, ठीक है, बट अगर पढ़ना है तो थोड़ा सीरियसली पढ़ना होगा। ओके चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एंथर के वाल को, ठीक है। तो एंथर के वाल में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे टोटल कितना लेयर होता है, पहले नंबर तो यही क्वेश्चन आएगा टोटल कितने लेयर होते हैं, तो काउंट करते हैं। चलो एक हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस, दूसरा हो गया एंडोथीसियम, तीसरा हो गया मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट हो गया टैपेटम। दैट मीन्स कितने हो गए टोटल, 4 लेयर हो गया, 4 लेयर होता है टोटल, 4 लेयर इज देयर, ठीक है। हाँ अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, आई एम वॉचिंग योर चैट बॉक्स, देख रहा हूँ मैं, अगर कोई क्वेश्चन लगा अच्छा तो जवाब दे दूंगा मैं। एनीवे तो सबसे बाहर वाला लेयर हो गया एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, एंड सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो होता है आपका टैपेटम। टैपेटम इन चारों लेयर में, टैपेटम जो होता है ये न्यूट्रेटिव लेयर होता है। न्यूट्रेटिव का मतलब हो गया कि अंदर जब पॉलन ग्रेन डेवलप होता है ना तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है टैपेटम का काम होता है। और बाकी जो 3 लेयर है एपिडर्मिस, कौन कौन सा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर बच्चों यहाँ पे यही वॉल ऑफ डहसेंस क्या बनाते हैं, वॉल ऑफ डहसेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ डहसेंस, डहसेंस का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, डहसेंस का मतलब यहाँ पे फाइनली जब पॉलन डेवलप हो जाता है ना, तो अब ये यहाँ से देखो इस पर्टिकुलर जगह से स्प्लिट हो गया, फट गया, टूट गया है, ताकि इस पर्टिकुलर जगह से देखो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से पॉलन रिलीज होना स्टार्ट होता है, तो इसी को बोलते हैं वॉल ऑफ डहसेंस कहते हैं, जहाँ से ये पॉलन फाइनली स्प्लिट होगा और पॉलन जो है बच्चों बाहर निकल के डिस्पर्स हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर है यहाँ तक। एनीवे ये एनसीटी का डायग्राम है, बट ड्यू टू द सम टेक्निकल एरर ये आपको थोड़ा अलग अलग कलर के दिख रहा है, आप चाहे तो अपने एनसीटी बुक से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से भी देख सकते हो। एनीवे हम आगे बढ़े बच्चों, इन लेयर के बारे में एक एक करके सब बताएंगे, उससे पहले बीच में यहाँ पे देखो ये कनेक्टिव पार्ट है, कनेक्टिव, तो कनेक्टिव एक्चुअली में ये जो होता है याद रखना, ये क्या है, ये वैस्कुलर टिश्यू है, नॉट जाइलम एंड फ्लोएम बट दैट आर वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू प्लांट में कहीं भी होगा तो इसका काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, तो ऑब्वियसली इसका काम होगा फूड एंड वाटर, तो ये कंडक्शन करते हैं, तो एंथर में जो भी वाटर या न्यूट्रिएंट या जो भी जरूरत होता है उन सब चीज़ों को ये फुलफिल करता है, उन चीज़ को डिलीवर करता है वहाँ तक, ठीक है। तो ये एक तरह समझो कि ये ट्रांसपोर्टिंग या कंडक्टिंग या जो भी कह सकते हो ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होता है, क्लियर है। चलो अब इन लेयर के बारे में एक एक करके मैं बताता हूँ आपको, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों यहाँ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लिविंग सिंगल लेयर होता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। एंडोथीसियम जो है बच्चों ये डेड होता है, ध्यान रखना, बी केयरफुल, यही एक लेयर है जो कि क्या है, डेड है, बाकी सब देखो लिविंग लिविंग लिविंग, ओके। एक सिर्फ ये लेयर होता है, सेकेंड लेयर होता है, ये भी सिंगल लेयर होता है, और इसमें स्पेशल थिकनिंग होता है सेलुलोज का, तो रहता ही रहता है, साथ में पेक्टिन और लिग्निन भी रहता है, और ये हेल्प करता है डहसेंस में स्प्लिट होने में, इसका एक मेजर रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है, समझे। मिडिल लेयर में आ जाओ, तो मिडिल लेयर जो होता है बच्चों ये 1-3 लेयर होता है, कितना, 1-3 लेयर होता है, समझे। और ये शॉर्ट लिव होता है, शॉर्ट लिव इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों जैसे जैसे पॉलन डेवलप होता रहता है
तो वो पॉलन शेक के अंदर, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर भरता रहता है, और वो क्या करता है मिडिल लेयर को कंज्यूम, मतलब उसको न्यूट्रिशन के तौर पे कंज्यूम करता रहता है, तो वो यूज होता रहता है, यूटिलाइज होता रहता है। ओके, लास्ट है टैपेटम। तो टैपेटम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है, और ये स्पोरेंजिया को सराउंड करता है, और टैपेटम जो होता है न्यूट्रेटिव होता है, पहले बोला था मल्टी न्यूक्लियेटेड एंड पॉलीप्लाइटी होता है। मल्टी न्यूक्लियेटेड का मतलब एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है, और पॉलीप्लाइटी का मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम जो होता है ना, जैसे जनरली क्या होता है दो क्रोमोजोम होता है, बट इसमें हो सकता है दो के जगह पे तीन या चार या पांच, इस तरह से अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहता है तुम्हारा। तो ये पॉलीप्लाइट होता है, इसमें जीन ऑब्वियसली मतलब जीन क्या होगा, ट्रिपल ट्रिपल या फोर टाइम या फाइव टाइम ज्यादा रहता है। तो ये क्या करेगा, फोर टाइम फाइव टाइम ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये आपका ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसमें हेल्प करता है। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये वाला डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी दिखाया, जब ये फाइनली जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद ये सब जैसे कंडक्टिव टिश्यू का कोई काम नहीं रहता है, धीरे धीरे डिहाइड्रेट होता है, और फाइनली ये आपके वॉल ऑफ डेहसेंस होता है साइड से स्प्लिट होता है, और ये दोनों स्पोरेंजिया मिक्स हो गया, और धीरे धीरे पॉलन यहाँ से डिस्पर्स होना स्टार्ट होता है, और डिस्पर्स होकर ये कहाँ जाएगा, एंथर आपके फीमेल पार्ट पे जाएगा, दैट इज स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ठीक है, एनीवे अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो पहला जो फंक्शन है टैपेटम का, टैपेटम क्या करता है, एक कैलेज एंजाइम का सिक्रीशंस करता है। ठीक है, और ये कैलेज एंजाइम्स क्या करता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया टेट्रा, देखो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया टेट्रा है, जैसे मान लो ये क्या है, ये है आपका स्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जब इसमें मियोसिस होता है, क्या होगा, मियोसिस होता है, तब ये कितना बनाएगा, चार स्पोरेंजिया बनाएगा, फोर माइक्रोस्पोर, फोर स्पोर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, एक्चुअली में माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। बट ये चारों माइक्रोस्पोर्स देखो अभी कैसे अरेंज है, आपका अरेंजमेंट हो सकता है इस फोर माइक्रोस्पोर टेट्रास का, अरेंजमेंट हो सकता है माइक्रोस्पोर टेट्रास को हम कहते हैं। ठीक है, अब ये मतलब चारों चारों सेल्स एक साथ हैं, स्टिक्ट हैं, अलग नहीं हुए हैं, बाद में ये अलग होंगे, फिलहाल अभी क्या है यहाँ पे एक साथ होने के वजह से, स्टिक्ट होने की वजह से ध्यान में रखना हम लोगों को, अब इनको अलग करना है, सेपरेट करना है। तो अब यहीं पे क्या होता है, ये जो कैलेज एंजाइम है ये इनको क्या करता है बच्चों, ये एक सुगरी सब्सटेंस है कैलोज, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, और इसी को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने से ये चारों पॉलन जो होता है वो अलग हो जाएगा, माइक्रोस्पोर अलग हो जाएगा, ताकि ये फोर पॉलन ग्रेन्स में इंडिविजुअली डेवलप हो सके। ठीक है, एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन होता है टैपेटम का, ये होता है इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एक्साइम। ठीक है ना, एक्साइम ऑफ माइक्रोस्पोर वॉल बाय द फॉर्मिंग द यूबिस बॉडीज। तो बेसिकली देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक यूबिस बॉडी, तो प्रो यूबिस बॉडी और यूबिस बॉडीज का फॉर्मेशन, यूबिस बॉडी ये टैपेटम ही बनाता है, और यूबिस बॉडी बेसिकली इसके साथ एक एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है जो कि इससे पॉलन माइक्रोस्पोर के ऊपर जाके डिपॉजिट होंगे, और पॉलन डिपॉजिट होने की वजह से ये पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है, और इसी तरह से इसमें क्या होता है, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है एक्साइम, और अंदर वाला लेयर होता है एंटाइम, तो एक्साइम लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो आगे मैं पॉलन वॉल जब स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा तो वहां पे इस चीज को मैं थोड़ा और हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें दो वॉल होता है, एक्साइम और एंटाइम, जिसमें एक्साइम ये यूबिस बॉडी फॉर्म करता है, और किस चीज का बना होता है, ये बना होता है आपका स्पोरोपोलेनिन्स का, ध्यान रखना। तो ये यूबिस बॉडी जो है क्या करेगा, डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट स्पोरोपोलेनिन ओवर द माइक्रोस्पोर टू फॉर्म द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करने के लिए इसके ऊपर डिपॉजिट होता है स्पोरोपोलेनिन। तो अब आता है कि स्पोरोपोलेनिन क्या है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों स्पोरोपोलेनिन क्या होता है। तो स्पोरोपोलेनिन एक फैटी सब्सटेंसेस होता है जो कि फॉर्म होता है ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ केराटिनोइड, तो केराटिनोइड का बना होता है, और ये दुनिया का सबसे रेसिस्टिव ऑर्गेनिक मैटर है, रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, दे कैन रेसिस्ट द हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्केलाइन, इन सब चीज को, इवन बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन दैट इज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को भी ये रेसिस्ट कर सकता है, मतलब इसके ऊपर ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी काम नहीं आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा, चलो उसमें कोई नॉइज वॉइस तो नहीं आ रहा ना, साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई,
चलो अगर हो तो कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए। चलो आगे चलते हैं इसमें। ड्यू टू दिस स्पोरोपोलेनिन, मतलब इस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टिव मटेरियल्स के वजह से बच्चों ये पॉलन ग्रेन जो है ये इसको हम बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल्स के अंदर, वेल प्रिजर्व इन फॉसिल्स। फॉसिल्स में आज भी प्रिजर्व है ड्यू टू दैट स्पोरोपोलेनिन के वजह से। क्या है ये आज भी क्या है उसी तरह से सही सलामत है। समझ में आ रहा? एनीवे अब अदर फंक्शन आते हैं, थर्ड फंक्शन में आते हैं। एक तो स्पोरोपोलेनिन इस बॉडीज के थ्रू बनाया था टैपेटम ने। अब ये क्या कहता है टैपेटम ऑल्सो क्या कहता है पॉलन कैट, के आई टी भी होता है, के डबल टी भी होता है, सिक्रेट करता ओवर दैट पॉलन ग्रेन्स। और ये एक तरह का स्टिकी कलरफुल सब्सटेंसेस होता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिसके वजह से पॉलिनेशन होता है, और इस तरह के पॉलिनेशन को एंटोमोफिलस कहते हैं प्लांट्स। ठीक है, दूसरा ये जो पॉलन किट है बच्चों इसमें कैरेटिनॉइड सब्सटेंसेस होता है जो कि एज ए सिल्ट पिगमेंट काम करता है। सिल्ट पिगमेंट्स का मतलब कि ये यूवी लाइट से उस पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। अब ये यूवी लाइट इंसान को पता चल गया कि इसके अंदर यूवी लाइट प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। इंसान ने क्या किया इस पॉलन ग्रेन को यूटिलाइज कर लिया, किसके साथ यूटिलाइज कर लिया सनस्क्रीन बनाने में, सनस्क्रीन क्रीम बनाने में यूज कर लिया। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका कुछ पॉलन प्रोडक्ट भी बन गया है, तुम्हारा पॉलन प्रोडक्ट भी है। क्लियर है पॉलन प्रोडक्ट है, क्या पॉलन प्रोडक्ट है उसको देख लेना तुम लोग इसमें थोड़ा सा। ठीक है, आगे स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। क्लियर है पॉलन किट। नेक्स्ट जो फंक्शन है बच्चों टैपेटम का वो है टैपेटम क्या करता है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन सिक्रेट करता है पॉलन ग्रेन्स के ऊपर, मतलब पॉलन वाल के ऊपर। और ये इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शंस में, और दूसरा ये इन्वॉल्व होता है टू रिकॉग्नाइज द कंफर्टेबल स्टिग्मा, मतलब पॉलन पेस्टल इंट्रैक्शन जब होगा ना तब जो स्टिग्मा है वो पॉलन को इसी प्रोटीन के हेल्प से पहचानता है। समझे? तो हर स्पेसिफिक मतलब हर स्पेसीज के लिए क्या होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ताकि जब पॉलिनेशन होगा तो पिस्टल्स जो सॉरी स्टिग्मा जो है वो सही पॉलन को मतलब उसी अपने स्पेसीज के पॉलन को पहचान सके। तो पॉलन कॉम्पेटेबिलिटी के लिए ये प्रोटीन काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे? उसके अलावा इसमें एलर्जिक रिएक्शन तो इससे हमें नुकसान है, इंसानों को नुकसान होता है। तो पॉलन उड़ते उड़ते बहुत सारे लोगों को ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है, अस्थमा कॉज कर सकता है, हे फीवर कॉज कर सकता है। ठीक है ना, या अदर कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होता है वो कॉज करता है। उसमें सबसे कॉमन है पार्थेनियम, तो ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ पार्थेनियम के बारे में। तो पार्थेनियम का जो पॉलन होता है वो एलर्जिक होता है, नॉट फॉर द ऑल द ह्यूमंस बट फॉर द सम ह्यूमंस, मतलब कोई कोई जो एलर्जिक है उसके लिए एलर्जिक हो जाएगा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए रह जाए। ठीक है, एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कीप कमेंटिंग, कमेंट करते रहना, कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करते रहना तुम लोग। ठीक है, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, एनीवे नेक्स्ट आ जाओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों इसी स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिंपल है बच्चों, जो स्पोरेंजियल टिश्यू जो होता है दैट इज पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जब इसमें मियोटिक डिवीजन होता है तो ये जो माइक्रोस्पोर बनाता है इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल्स थ्रू द मियोसिस कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो ये एनसीईआरटी का सीधा डेफिनेशन है। एंड देन फाइनली एंथर क्या होता है, मैच्योर होगा एंड डिहाइड्रेट होता है, और माइक्रोस्पोर डेसिकेटेड फ्रॉम द ईच ऑफ द each other and develop into the pollen grains. अभी जस्ट हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, अभी एनसीईआरटी में देखो उसी तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद each microsporangium containing thousands of pollen grains or these release with the dehiscence of the anther. जब anther फटेगा तब ये सारे के सारे pollen release होता है, और ये microsporid यही अलग होके बनाता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है? तो दैट्स अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सिंपल है। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ नॉलेज और हम लोग देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल सकता है यहाँ पे आपको। जैसे ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या बोलते हैं पेलेनोलॉजी कहते हैं। पॉलन ग्रेन का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, डायमीटर इसका 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है, येलो इन कलर होता है ड्यू टू द कैरोटेनॉइड, किसके वजह से कैरोटेनॉइड के वजह से ये आपका येलो होता है ड्यू टू द कैरोटेनॉइड के वजह से। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है बच्चों, और इसी फूड मटेरियल तो पॉलन तो यूज करता है क्योंकि
काफी समय तक उड़ना है, पता नहीं कब इसको स्टेग्मा मिलेगा, लैंड करेगा, जर्मिनेट करेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तब तक इसको अपने आप को बचा के रखना है। तो इसके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन, और ये भी इंसान को पता चला, इंसान ने इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया एज ए फूड सप्लीमेंट्स टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलेटिक्स एंड रेस होर्स। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ पॉलन प्रोडक्ट दे रखा है, जैसे अभी बोला ना सनस्क्रीन, इसमें अदर अदर पॉलन है, पॉलन कैप्सूल्स वगैरह आता है इसको खाने के लिए, समझे? तो अच्छा खासा न्यूट्रिटिव होता है जो कि नेचुरल पॉलन से ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर है? एनीवे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ जाओ, जो पॉलन ग्रेन है पहले ही बताया था कि इसके ऊपर बच्चों दो लेयर होता है, टू लेयर, एग्जाइन और इंटाइन्स। ठीक है, एग्जाइन और इंटाइन, जैसे ये सारे पॉलन के स्ट्रक्चर से देख सकते हो, पॉलन के स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर दो लेयर होते हैं, एग्जाइन और इंटाइन। इसमें ध्यान रखना, द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज स्ट्रेटिफाइड नोन एज स्पोरोडर्म्स। तो पॉलन ग्रेन्स के वाल को, पॉलन वाल जो हो गया, हम उसको स्पोरोडर्म्स भी कह सकते हैं। तो एक नया वर्ड मिल गया हम लोग को, स्पोरोडर्म्स। और ये स्पोरोडर्म्स जो होता है बच्चों दो लेयर में होता है, यहाँ पे एक हो गया एग्जाइन और एक हो गया इंटाइन। तो देयर इज टू लेयर, आउटर लेयर जो होता है ये एग्जाइन है, और इनर लेयर जो होता है वो इंटाइन होता है, जिसमें एग्जाइन स्पोरोपोलिन इनका बना होता है और इंटाइन पैक्टो सेलुलोज, मतलब सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है, दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं पैक्टो सेलुलोज कह सकते हैं। जो तुम्हारा एग्जाइन है दैट इज स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, हार्ड और थिक लेयर होता है, समझे? और हैव अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द किसमें, कॉम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, अभी बताया ना, मतलब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है, तो जो पॉलन है उसको पहचानेगा कौन, स्टिग्मा, और स्टिग्मा क्यों पहचानेगा, क्योंकि वो राइट पॉलन है या नहीं है, इसलिए उसको पहचानता है। क्लियर है? इंटाइन लेयर जो होता है वो पैक्टोसेलुलोज का बना होता है, पहले बताया, ये थिन और स्ट्रेचेबल होता है, और इसमें भी फर्दर सब लेयर जो है वो नहीं होता है, सब लेयर होगा तो वो होता है एग्जाइन में, सब लेयर होता है। ठीक है, मतलब उसमें स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्ड यूज किया गया है वो ये बताता है कि एग्जाइन इंटाइन दो लेयर हो गया, उसके अलावा भी इंटाइन एग्जाइन जो होता है उसमें फर्दर दो तीन लेयर और भी हो सकते हैं। क्लियर है यादव? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है यादव? चलो, पॉलन ग्रेन में बच्चों यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्कल्पचरिंग दिखता है, जैसे ये दिख रहा है ना आउटग्रोथ, ऐसे स्पाइनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, स्पाइनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो ये अलग अलग होते हैं, नॉट ओनली द पॉइंटेड बट ऑल्सो द कैसा होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्पेसिस स्पेसिफिक होता है हर स्पेसिस का, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, और ये जो रियल पॉलन है, बाकी ये सब कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है ध्यान में रखना है हम लोगों को, कि ये कहाँ से दिया गया है, तो ये एनसीईआरटी डायग्राम का है, और इधर उधर से कहीं नहीं, एनसीईआरटी डायग्राम है, समझ रहे हो ना? तो स्कल्पचरिंग का मतलब इसमें आउटग्रोथ, प्रोजेक्शन या व्हाट एवर यू कैन से, थोड़ा रफ स्ट्रक्चर्स होता है, और ये स्कल्पचरिंग जो है ये स्पेसिस स्पेसिफिक होता है। ओके, तो स्कल्पचरिंग ओवर द पॉलन ग्रेन कंट्रीब्यूट द कंपाउंड स्पोरोपोलिनिन के वजह से सिक्रेटेड बाय द टैपेटम ऑलरेडी नोन। एट द सम पॉइंट स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, अब्सेंट होता है, किसी किसी पर्टिकुलर जगह पे स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होता है, और इसका पर्पस क्या होता है, क्योंकि जब पॉलन जर्मिनेट होता है तो पॉलन ट्यूब वहां से निकलेगा ना, और हमको पता है कि ये जो एग्जाइन इंटाइन जो लेयर है ये एंजाइम से भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, तो नेचर ने पहले ही क्या किया, उसमें क्या किया है, एक थोड़ा सा होल, छोटा सा छोड़ रखा है। अब इसी को इन केस ऑफ डाइकोट हम क्या कहते हैं, इसी को जंप पोर कहते हैं, और इन केस ऑफ मोनोकोट इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनल फरो कहते हैं। ठीक है, जो जर्म पोल होता है वो डाइकोट में मिलता है, और ये सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर मतलब गोल, और इन मोनोकोट ये जर्म फरो कहते हैं, क्योंकि ये लेंस शेप होता है, इस तरह से लेंस शेप में होता है तुम्हारा, समझे? तो ये दोनों का शेप अलग अलग होता है, और इसी पर्टिकुलर जगह से क्या होता है, इसी पर्टिकुलर जगह से इस तरह से पॉलन ट्यूब इमर्ज करेगा, निकलेगा तुम्हारा। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, ये आपके एकदम एग्जैक्टली एनसीईआरटी का है, इसमें दे रखा है पॉलन वायबिलिटी। तो पॉलन वायबिलिटी क्या होता है, इट इज टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम द पॉलन फॉर विच द पॉलन क्या होगा, रिमेन वायबल या रिमेन फंक्शनल कह सकते हो। तो ये टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया जिसमें पॉलन जो होता है वो वायबल होता है, फंक्शनल होता है, और हैव द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द
स्टिग्मा या फिर फर्टिलाइज द ओवम जो है उसको फर्टिलाइज करने की क्षमता रखता है उसको। और ये डिपेंड करता है कि पॉलन वायबिलिटी डिपेंड करता है उसके इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक फैक्टर दोनों पे। तो इंट्रेंसिक दैट मीन्स उसका जेनेटिक फैक्टर क्या है उस चीज को, और एक्सटेंसिव में जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब चीजें। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, समझे। इन्फ्लुएंस का मतलब कि अगर मान लो ज्यादा टेम्परेचर हो तो हो सकता है कि पॉलन की वायबिलिटी बहुत ज्यादा समय तक ना रहे, और अगर मान लो ह्यूमिडिटी है तो उसमें ज्यादा समय तक रह सकता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे वीट और राइस, इसमें जो पॉलन वायबिलिटी होता है ओनली 30 मिनट होता है, लेकिन इसी में सोलनेशी, फेबेसी, रोजेसी फैमिली जो होता है इसमें सेवरल मंथ होता है। तो ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का ही है। सोलानेसी जैसे पोटेटो, ब्रिंजल हो गया, फेबेसी जैसे पी प्लांट हो गया, रोजेसी रोज फैमिली हो गया रोज, उसमें सेवरल मंथ तक इसमें पॉलन में कैपेबिलिटी होता है कि वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं पोलन प्रिजर्वेशंस। तो पोलन प्रिजर्वेशन जो बच्चों, इसको हम चाहें तो एट -96 डिग्री सी टेम्परेचर पे हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, समझ में आ रहा। क्योंकि जैसे मान लो 30 मिनट वायबिलिटी है, तो ये फॉर नॉट फॉर द नॉन नेचुरली, ये किसके लिए हो गया, जैसे मान लो जो लोग प्लांट ब्रीडिंग करते हैं उनके लिए ये अच्छा है। उसी तरह से पॉलन बैंक बना के रखा गया है, वहां पे अलग अलग पॉलन प्रिजर्व किया गया है। मान लो कोई स्पेसिस एक्सटेंड करने के कगार पे अगर हुआ तो वो पॉलन ले जाके उसको फर्टिलाइज कर दिया जाएगा, समझ में आ रहा। इसको यूज किया जाएगा वहां पे यूज करते। नाउ अब इससे पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो गैमेटोफाइट है वो डेवलप कैसे होता है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों। यहाँ पे एक सिंपल माइक्रोस्पोर, इसमें ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस होता है, उसमें एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है, मतलब इसमें जो डिवीजन होता है माइटोसिस जो जो होता है यहाँ पे, ये माइटोसिस होगा, माइटोसिस वो अनइक्वल साइज का होता है, और उसमें एक बड़ा सेल बनता है। बड़ा सेल्स को कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स, और छोटे सेल्स को बोलते हैं जर्मिनल सेल्स। क्लियर है, जर्मिनल सेल्स। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसमें मियोसिस हुआ 1-2, और इसमें माइक्रोस्पोर टेट्रा बना। अब माइक्रोस्पोर टेट्रा जो होता है केलोज एंजाइम्स के वजह से अलग अलग हो गया और सेपरेट हो गया, मतलब माइक्रोस्पोर अलग। अब इस माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन चलेगा, कौन सा डिवीजन चलेगा, ये आपका माइटोसिस, वो भी अनइक्वल डिवीजन चलता है, जिससे फाइनली दो सेल बनता है, एक है वेजिटेटिव सेल्स और एक है आपका जर्मिनल सेल्स। तो वेजिटेटिव और जर्मिनल सेल्स बन गया। अब यही चीज मतलब टू सेल स्टेज में है, और मे भी हो सकता है कि अगर जर्मिनल सेल्स में भी डिवीजन हो जाए तो यहाँ पे दो मेल गैमेट बना देगा, और दो मेल गैमेट जो बनता है वो उससे वजह से ये टोटल तीन सेल हो गया है ना। तो ये आइदर टू सेल स्टेज हो सकता है या तो थ्री सेल स्टेज हो सकता है, और इसके बाहर इस तरह से इसके ऊपर स्क्लप्चरिंग जो है जाइन टाइम का वो तो रहेगा ही रहेगा, ये भी फॉर्म्ड हो जाता है इसी टाइम पे फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मतलब पॉलन ग्रेन, अब ये फाइनली पॉलन ग्रेन जो होता है एंथर से रिलीज होगा और पॉलिनेशन के लिए रेडी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बीच में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तभी तो आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊंगा, अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो ऊपर देख लो यहाँ पे ये इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से फॉलो कर सकते हो मुझे, या फिर नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा मैंने, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा इसमें। ठीक है, टाइमिंग वो भी सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा, और जो भी फर्दर नोट्स वगैरह चाहिए वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है एग्जाम से इन्फॉर्मेशन, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो हमने पहले ही तय कर लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में गायनोशियम और एक सिंगल गायनोशियम के यूनिट को कहते हैं कार्पल कहते हैं। अब कार्पल जो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये वाला पूरा पोर्शन जो हो गया ये पर्टिकुलरली हो गया, इसमें आपको हर चीज दिख रहा है। ओके, अब एनसीईआरटी का जो लाइंस है उसको थोड़ा पढ़ते रहते हैं और समझते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ दिया है क्या। देखो, गायनेशियम ऑफ फ्लावर्स इन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, सिंगल मेंबर को क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल बोलते हैं, ऑलरेडी नोन। और कार्पल या पिस्टल इसमें थ्री पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, अभी जस्ट इससे पहले भी एक दो बार मैं बोल चुका हूँ।
स्टाइल जो होता है ये क्या कहता है, कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी, मतलब यहाँ पे ये जो स्टिग्मा हो गया और ये ओवरी हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और फाइनली आता है ओवरी नीचे, तो एक स्वेलन रीजन होता है एट द बेस, और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये जो ओवरी है बच्चों, या फिर ये कार्पल जो है, तो हो सकता है कि मोनोकार्पलरी कंडीशन हो, या हो सकता है पॉलीकार्पलरी कंडीशन हो। अब पॉलीकार्पलरी कंडीशन दैट इज मल्टीकार्पलरी कंडीशन में ये कार्पल आपस में फ्यूज भी हो सकता है, तो सिनकार्पस कहते हैं, जैसे पेपेवर हो गया, या हो सकता है कि ये फ्री हो, सारे के सारे कार्पल फ्री हो सकते हैं, जैसे ये वाला दिख रहा है, कार्पल सारे के सारे फ्री है और यहाँ पे देखो फ्यूज है। तो ये जो बी वाला डायग्राम है बच्चों, ये हो गया पेपेवर का डायग्राम है, और सी डायग्राम है आपका एनसीटी का डायग्राम ही है, तो इसमें भी मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, पॉली कार्पलरी कंडीशन है, लेकिन कार्पल सारे अलग अलग है, सेपरेट फ्यूजन नहीं है। तो इसमें बोलते हैं माइसेलिया का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ये सी हो गया, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो डायग्राम है बच्चों, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल हो गया, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो ओव्यूल पे हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट ओव्यूल पे ही डिस्कशन करना है हम लोग को। ये बच्चों ये ए नंबर जो है, ये हिबिस्कस, मतलब आपका चाइना रोज, ये उस प्लांट का मतलब उसका एक सिंगल कार्पल है, एक सिंगल पिस्टल्स को शो कर रहा है तुम्हारा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थैलमस, थैलमस के ऊपर ओवरी, ओवरी के ऊपर ये फिलामेंट स्ट्रक्चर, जिसको स्टाइल और ऊपर जाएंगे तो स्टिग्मा हमें मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा भी यहाँ पे फ्यूज कंडीशन में, मतलब कार्पल यहाँ पे फ्यूज कंडीशन में दिख रहा है हम लोगों को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को बच्चों, ये एनसीईआरटी वाले तो इसको तो छोड़ नहीं सकते हो, आपको याद करना ही पड़ेगा, तो इसको याद करो। एनीवे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब एक सिंगल ओव्यूल देखते हो, तो एक सिंपल सा डायग्राम है मेरे पास है, ठीक है, उसके बेसिस पे देखते हैं। तो बेसिकली ओव्यूल क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा माइक्रो स्पोरेंजियम, अब ये मेगा स्पोरेंजियम, और इसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर सुना है ना, इसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर आपका एग का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पे ये स्टिग्मा स्टाइल और ये पूरा का पूरा पार्ट ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल होता है, और ओव्यूल जो अटैच्ड होता है इसमें, तो यहाँ पे बच्चों एक एक टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा, ठीक है। पीछे से सीटी आवाज है ना, स्टूडेंट है, देखो खाना बना रहे अपने पढ़ने के लिए, खाने के लिए नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं लोग। प्लेसेंटा जो है बच्चों, तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में होता है, समझे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ओव्यूल के वजह से, ओव्यूल जो है ना, ये प्लेसेंटा के हेल्प से ओवरी के वॉल पे अटैच्ड होता है, समझे। एनीवे अब ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसके अंदर ओव्यूल। तो ओव्यूल में बच्चों ये वाला जो है आपका एनाट्रोपस, मतलब इन्वर्टेड उल्टा आपका ओव्यूल्स है। तो ओव्यूल जो है आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में होता है। आगे पता चलेगा कि जिम्नोस्पर्म में इसमें इंटेगमेंट ए होता है मोनोटेगमिक, और एंजियोस्पर्म में यहाँ पे इंटेगमेंट दो होता है, बाइटेगमिक कंडीशन होता है। दूसरा, जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल जो होता है ये नेकेड होता है, इस वजह से जब ये सीड बनाएगा ना, तो सीड ही क्या होता है, उसका नेकेड होता है। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये ओव्यूल जो है ये ओवरी के अंदर होता है, तो ओवरी फ्रूट बनाएगा, और फ्रूट के अंदर ये जब सीड का फॉर्म करेगा, तो सीड उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। बुझ पाए सो ना, समझ आया ना। एनीवे तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब एक स्पेशली अगर हम एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं, तो ओव्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो ओव्यूल में देखो सबसे पहले तो ये प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, फ्यूनिकल के हेल्प से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ऊपर जाएंगे तो हमें दो प्रोटेक्टिंग लेयर मिलता है, इसमें बोलते हैं आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, तो इंटेगमेंट हो गया। अब इंटेगमेंट्स के अंदर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है यहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूसेलस, यहाँ पे देख सकते हो न्यूसेलस यहाँ पे, तो ये जो पूरा जो टिश्यू पार्ट हो गया ये सब हो गया न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट है, तो ये आगे चल के बनाता है एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल्स,
और इसी एमएमसी के अंदर मियोसिस होता है, तो ये बनाता है मेगास्पोर, और मेगास्पोर माइटोसिस करके बनाता है एम्ब्रियोशिप। तो दैट होल स्ट्रक्चर, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये एक एम्ब्रियो शेक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है एम्ब्रियो शेक। इस एम्ब्रियो शेक के अंदर हमको मिलेगा बच्चों एग मिलेगा, सिनर्जिस सेल्स मिलता है, ऊपर जाएंगे तो एंटीपोडल सेल्स मिलता है, अंदर बीच में यहाँ पे सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलता है जो कि 2N होता है इसका, और बाकी जितने स्ट्रक्चर सब यहाँ पे N है, ये सब N है। और चूंकि इंटरगमेंट बच्चों ये किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट्स का पार्ट है, तो ये डिप्लॉयड कंडीशंस में होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड कंडीशंस में होता है तुम्हारा। इसमें क्लियर है, तो इसको भी तुम लोग ध्यान में रखना। इसमें क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो, बहुत काम आने वाला आगे भी। अब इसमें एक एक स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो जैसे पहला हो गया फ्यूनिकल्स। तो फ्यूनिकल क्या होता है? अटैच टू द मेन बॉडी। द मेन बॉडी इसमें क्या होता है? ऑब्वियसली ओवरी है, तो ओवरी के साथ अटैच होता है तुम्हारा, अटैच करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। म्यूसेलस ये मेन बॉडी होता है ओव्यूल का, और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, और इसका काम होता है प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, समझ आ रहा? उसके अलावा इंटरगमेंट, तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर के तरह हो सकता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट द न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है? सराउंडेड बाय वन और टू लेयर सेलुलर कोट कॉल इसको बोलते हैं इंटरगमेंट। माइक्रोपाइल, तो एक पर्टिकुलर जगह होता है, यहाँ पे मैंने बोलना भूल गया, एक पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ पे इंटरगमेंट एब्सेंट है। तो इसी पर्टिकुलर जगह से क्या होता है, यहाँ पे जो भी पॉलन ट्यूब इंटर करता है और यहाँ पे ये एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, चला जा। तो इस माइक्रोपाइल का जो अपोजिट एंड होता है उसको बोलते हैं चला जा। तो माइक्रोपाइल के सीधा अपोजिट जाएंगे तो ये चला जा मिलेगा हम लोग को, तो वो चलाजल एंड होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हाइलम। तो हाइलम बच्चों ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, पॉइंट होता है अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल्स विद द मेन बॉडी। तो किसी किसी पर्टिकुलर जगह में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरगमेंट जो है या फिर मेन बॉडी जो है इस फ्यूनिकल के साथ फ्यूज है इस वाले जगह पे, तो इस फ्यूजन पॉइंट को बोलते हैं हम लोग हाइलम कहते हैं। और लास्ट है एम्ब्रियो शेक। तो एम्ब्रियो शेक फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, व्हिच एम्बेडेड इनटू द न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर सिचुएटेड होता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो शेक के अंदर एग एपरेटस होता है। एग एपरेटस दैट मींस क्या हो गया बच्चों, आपका ये जो दिख रहा है ना एक सेंटर में, एग एपरेटस का मतलब हो गया यहाँ पे सेंटर में ये एग हो गया और बगल से दो सिनर्जिक सेल्स होता है। तो एग और सिनर्जिक सेल्स को मिला के बोलते हैं एग एपरेटस कहते हैं। और एंड इसके अलावा क्या होता है, डेवलप इनसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर डेवलप होता है, दैट विल डेवलप इनसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर ये डेवलप होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगर हम टाइप ऑफ देखें तो हालांकि एनसाइटी में नहीं है, एनसाइटी में सिर्फ ये मेंशन किया है, एनाट्रोपस मेंशन किया गया है। तो एनाट्रोपस का मतलब देख सकते हो इन्वर्टेड, अगर सीधा स्ट्रेट होता है इरेक्ट तो ऑर्थोट्रोपस, इन्वर्टेड होता है तो एनाट्रोपस, और अगर 90 डिग्री पे है तो हेमी एनाट्रोपस, और कैम्फेलेट्रोपस इस तरह से अलग अलग होता है। इसको ध्यान मत दो आप लोग, सिर्फ इसमें एनाट्रोपस याद करना जो कि मोस्ट कॉमन होता है, 80% एंजियोस्पर्मी फैमिली में मिलता है, इंक्लूडिंग सोलानेसी, मालवेसी, कंपोजिट एंड कुकरबिटेसिस फैमिली में मिलता है। तो इन एग्जाम्पल्स को याद रखना। और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, इसको इसलिए याद रखना क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है, ऑर्थोट्रोपस इरेक्ट ओव्यूल। ठीक है, और एनाट्रोपस दैट इज इन्वर्टेड जो होता है, उल्टा, इन्वर्टेड वर्ड होता है इसके लिए यूज करते हैं, इन्वर्टेड होता है तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में होता है। बाकी छोड़ दो तुम लोग, इसको छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, अगर हम ओव्यूल का टाइप देखें तो अभी जस्ट मैंने दो वर्ड यूज किया था बच्चों, एक होता है यूनिटेक्मिक और एक होता है बायटेक्मिक। इन्हीं दो वर्ड को याद रखना, यूनिटेक्मिक इसलिए याद रखना क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में होता है, और बायटेक्मिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो मोस्ट कॉमन कंडीशंस होता है एंजियोस्पर्म्स में मिलता है तुम्हारा। ठीक है, बायटेक्निक। तो बायटेक्निक का मतलब जैसे इंटरगमेंट यहाँ पर है ना, देखो आउटर और इनर दो हो गया, एक आउटर और एक इनर दो हो गया, उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ एक ही इंटरगमेंट होता है, सिर्फ एक। तो यूनिटेक्मिक और ये बायटेक्निक कंडीशन, यहाँ पे दो लेयर प्रेजेंट होता है। क्लियर है, सिंपल से। नाउ अब इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर बच्चों अब फाइनली होने जा रहा है यहाँ पे आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस, दोनों को थोड़ा सा हम लोग अलग करके देख लेंगे।
फर्स्ट स्टार्ट विद मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स एमएमसी, और एमएमसी हमेशा ध्यान रखना ये डिप्लॉयड सेल्स होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड सेल्स होता है तुम्हारा, और इस डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होगा। तो यहाँ पे ये हुआ मियोसिस वन और यहाँ पे हो गया मियोसिस टू, ठीक है। तो मियोसिस जब वन होता है तो एक सिर्फ यहाँ पे देखो मेगास्पोर मदर सेल से ये बड़ा वाला सेल्स, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें जब डिवीजन होता है तब यहाँ पे दो मेगास्पोर डायड बनता है, मतलब दो मेगास्पोर बना, अभी बना नहीं, तो मेगास्पोर डायड कहते हैं। और फाइनली जब ये डिवीजन मियोसिस टू हो गया तो यहाँ पे चार मेगास्पोर टेट्रार्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और मेगास्पोर टेट्रार्ड जो होता है ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या है बच्चों, ये एक साइड का हो गया माइक्रोपाइलर एंड और दूसरे इधर क्या होता है चलाजल एंड होता है। तो इस एंड को भी याद रखना, अभी आगे यूज होने वाला है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें से जो चार मेगास्पोर बना है उसमें से तीन डिजेनरेट करेगा, एक इसमें से कोई ना कोई एक फंक्शनल रहता है जो आगे चल के एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी वाले पॉइंट्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ओव्यूल क्या होता है? जनरली क्या होता है? डिफरेंशिएटेड द सिंगल एमएमसी इन माइक्रोस्पोर रीजंस में होता है ऑफ द न्यूक्लियस, और इट इज लार्ज सेल्स कंटेनिंग द डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका काफी प्रोमिनेंट होता है, बड़ा साइज का होता है, प्रोमिनेंट का मतलब। और एमएमसी क्या होता है? जब ये मियोसिस करेगा तब ये चार मेगास्पोर फॉर्म करता है। अब आगे के मैंने क्या बोला, आउट ऑफ फोर इसमें से तीन डिजेनरेट करेगा, एक फंक्शनल रहता है, ठीक है। तो चार में से एक फंक्शनल जो मेगास्पोर है बच्चों, ये है तेरा मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर अगर क्या बनाता है, ये एम्ब्रियो शेक फॉर्म करता है। मेगास्पोर से क्या बनाएगा? एम्ब्रियो शेक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो अब इसमें देखो क्या होता है, माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे एक माइटोसिस, यहाँ पे फिर दूसरा माइटोसिस, फिर यहाँ पे तीसरा माइटोसिस, सॉरी दो ही माइटोसिस हुआ, सॉरी एक मिनट ये गलत बोल दिया मैंने। ये फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पे हो गया, दूसरा माइटोसिस यहाँ पे, थर्ड माइटोसिस यहाँ पे, तो तीन माइटोसिस टोटल हुआ। एक माइटोसिस से यहाँ पे दो न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। इस पॉइंट पे ध्यान रखना, कैरियोकाइनेसिस हुआ नहीं। उसके बाद फिर से जब सेकेंड माइटोसिस होता है तो उसमें भी कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड किया है, साइटोप्लाज्म डिवाइड अभी नहीं किया है। तो अब ये बनाएगा चार, फिर उसके बाद आठ, तो टोटल एट न्यूक्लियस। अब ये एट न्यूक्लियस बच्चों रीअरेंज होते हैं, और रीअरेंज होके ये बनाना स्टार्ट करते हैं सिनर्जिक सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल सेल्स, पोलर न्यूक्लाई, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन फाइनली ये जब मैच्योर होता है तो ये बन गया आपका एम्ब्रियो शेक, ये हो गया एम्ब्रियो शेक बन गया, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो शेक के अंदर क्या क्या है देख लो अच्छे से, और ये भी अच्छे से देखो कि किस साइड में कौन से सेल्स है। तो ये अगर दिख रहा है आपको तो ये चलाजल सेल्स है, और नीचे अगर दिख रहा है तो ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो माइक्रोपाइल जिधर होता है उधर ही एग एपरेटस होता है। तो एग एपरेटस पहले बताया था कि ये एग प्लस सिनर्जिड सेल्स को मिला के, तो यहाँ पे दो सिनर्जिड सेल्स है, एक एग है, तो तीन सेल्स हो गया। तो इन तीन सेल को एक साथ हम क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं, ठीक है। ऊपर आ जाओ, सेंटर में दो पोलर निकले होता है, तो इसी को एन प्लस एन कहते हैं। जब फ्यूज हो जाएगा तो ये बना लेगा बच्चों, ये बना लेगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना लेता है। चलाजल एंड में यहाँ पे तीन टोटल एंटीपोडल सेल्स होता है, और ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है ना सेल्स खुद, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल। तो ये भी कितना, एक ही है सेंट्रल सेल्स। तो तीन एंटीपोडल सेल्स, एक सेंट्रल सेल्स, उसके अलावा दो सिनर्जिड सेल्स और एक एग, कितना हो गया, तीन दो पांच छ सात, तो टोटल सेवन सेल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर जो बना एम्ब्रियो शेक, तो ये टोटल सेवन सेल्ड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सेवन सेल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिख देते हैं ये कितना सेवन सेल्ड स्ट्रक्चर है, प्लस इसके अंदर न्यूक्लियस कितना है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एट न्यूक्लियाई।
तो सेवन सेल और एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो शेक जो होता है वो आपका सेवन सेल स्ट्रक्चर होता है, एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिलेगा। एक एपरेटस किसको कहते हैं, सिनर्जिड सेल्स, और एक एक को मिला के, दो सिनर्जिड और एक को मिला के, और ये होता कहाँ पे, तो माइक्रोपायरालिट पे प्रेजेंट होता है। सिनर्जिड सेल्स जो है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एक फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये दिख रहा है ना फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है बच्चों, ये अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा था मैं ये बना रहा हूँ, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है जो पॉलन ट्यूब को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो शेक के अंदर इंटर करेगा। समझ में आया हो, तो इसी पर्टिकुलर जगह से इंटर करने वाला है आपका। ठीक है, तो उसको आगे देखेंगे और अच्छे तरीके से क्या हो रहा है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिनेशन। अब हमारे पास देखो बच्चों, हमने पढ़ लिया डिटेल में आपका, क्या पढ़ लिया डिटेल में, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें फाइनली पॉलिन ग्रेन बन के तैयार हो गया था। दूसरा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया क्या, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें फाइनली एम्ब्रियो शेक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट बन गया है। ठीक है बच्चों, वीडियो भगा भगा के नहीं देखना है, आराम से धीरे धीरे पूरे एक एक चीज को सीखते हुए देखना है। ठीक है ना, स्केप करके दिखना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हाँ बोलो, आपका इसके पहले का पोर्शन अगर पढ़ा हुआ था तो यहाँ तक स्केप करके आया तो ठीक है, आगे देखते रहना उसी हिसाब से, बट चीजों को समझने के लिए, क्योंकि कुछ पॉइंट कहाँ पे डिस्कस करूँ ये आपको थोड़ी पता है, ये तो मुझे पता है, तो आपको मुझे समझना तो मेरे वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, एनीवे पहला नंबर आता है पॉलिनेशन क्या होता है। तो सिंपल बच्चों देखो, पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ बना था, वो एंथर में बना था, मतलब स्टिग्मा वाले पार्ट में, और इसको जाना कहाँ है, पिस्टल तक जाना है, मतलब उसके स्टिग्मा तक जाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तो फर्टिलाइजेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें पॉलिनेशन करना जरूरी है। तो पॉलिनेशन सिंपल एक मेथड होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहाँ पे, एंथर टू, यहाँ पे देखो ये एंथर टू उड़ के कहाँ आ गया, स्टिग्मा पे आ गया, तो एंथर टू स्टिग्मा यहाँ पे ट्रांसफर करना, इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन का टाइप जो है, तो पहले देखो बच्चों सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो थोड़ा पुरानी चीज है, अब नया चीज सीखते हैं। नया क्या है, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जेनोगेमी। तो ऑटोगेमी का मतलब होता है कि सेम प्लांट, ये मान लो ये फ्लावर है, ठीक है ये फ्लावर है, ठीक है, और इसी फ्लावर के, इसी इस फ्लावर, सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अगर उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे पॉलिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी कहते हैं, नीचे लिखा हुआ। जिटनोगेमी का मतलब हो गया प्लांट सेम रहेगा, P1 और ये P2 है, दूसरा प्लांट है सेम प्लांट के, बट इसमें F1 और F2 दो फ्लावर है, तो इसमें एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं जिटनोगेमी कहते हैं। और तीसरा जो है बच्चों, इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस पॉलिनेशन को कहते हैं जिनोगेमी कहते हैं। समझ में आया, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम, इससे समझना ज्यादा आसान है पॉलिनेशन को। आई होप कि ऑल यू अंडरस्टैंड दैट वन। एनीवे अब इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे पहला नंबर तो ध्यान रखना, ऑटोगेमी में इसको सेल्फ मैरिज या सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, और इसमें सिंगल फ्लावर इन्वॉल्व होता है। जिटनोगेमी में यहाँ पे टू फ्लावर इन्वॉल्व होता है ऑफ द सेम प्लांट, और जिनोगेमी में दो फ्लावर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होता है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, कि ऑटोगेमी इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली दोनों क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो ये प्योर सेल्फ पॉलिनेशन है। बट जिटनोगेमी में देखते हैं तो इकोलॉजिकली या फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दो फ्लावर इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे कलर थोड़ा सा ध्यान से दिख नहीं रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा देख के बच्चों देख लेना, क्योंकि ये कलर थोड़ा सा हो गया, मुझे पता नहीं था ये कलर, मतलब ऑनलाइन जैसे जाएंगे तो थोड़ा चेंज हो जाता है कुछ रीज़न की वजह से, एग्जैक्टली आई डोंट नो क्या रीज़न है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, जैसे ये मैंने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड दिया है, अब यहाँ पर ये आया है तो ब्लैक दिख रहा है आपको। एनीवे तो मैं बोल दे रहा हूँ आप देख लेना, बाकी ऊपर के तो वर्ड दिख ही रहे हैं, ये तो सब दिख ही रहा है। ठीक है, तो जिटनोगेमी जो है
ये इकोलॉजिकली एंड फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि जिप्नोगेमी इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि प्लांट तो सेम ही है ना। तो अगर प्लांट सेम है तो जेनेटिक कंटेंट सेम होगा, बट जीनोगेमी में दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व है, तो दो फ्लावर अलग अलग है, तो इसलिए इकोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली ये दोनों तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मतलब ऑटोगेमी प्योर सेल्फ पॉलिनेशन और जीनोगेमी प्योर क्रॉस पॉलिनेशन के कैटेगरीज में आता है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एडॉप्टेशन देखना हम लोगों को, या इसको कॉन्ट्रेवर्सेस कहते हैं ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। तो प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडॉप्टेशन होता है? एक सिंपल सा है बच्चों, क्लेस्ट्रोगैमी। क्लेस्ट्रोगैमी का मतलब होता है कि फ्लावर इसमें ओपन ही नहीं होगा, क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर। और जो फ्लावर ओपन हो जाते हैं मैच्योरेशन पे, तो इसको बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो अगर फ्लावर क्लेस्ट्रोगैमस मतलब ओपन ही ना हो, तो अंदर इनके पास कंपल्शन हो गया कि इनको भाई क्या करना पड़ेगा, इनको सेल्फ पॉलिनेशन करता है। तो बेसिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर आर नेवर ओपन थ्रू आउट द लाइफ, दैट्स कॉल्ड द क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर, ठीक है ना। क्लेस्ट्रोगैमस फ्लावर हम इनको कहते हैं। जैसे इसमें कॉमेनेला है, ऑक्सेलिस हो गया, ठीक है ये, और उसके पास एरेकेस है, हाइपोजीनिया है, राइस है। तो इसमें बेसिकली ये भी चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं, ये ओपन होते हैं तुम्हारा। तो ये चेस्मोगेमस और ये क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर होता है। तो इनको याद रख लेना बच्चों, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडॉप्टेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो है बाइसेक्सुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज मोनोक्लिनिक। मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट के, सॉरी एक ही फ्लावर पे होगा तो भी वो पॉसिबल है, कैथेरेंथस जैसे हो गया। होमोगेमी मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मैच्योरेशन ड्यू टाइम होता है वो एक ही समय पे मैच्योर होना चाहिए एक बार में, ठीक है, जैसे मेराबेलिस केसेस हो गया। बर्ड पॉलिनेशन भी होता है, जिसमें क्या होता है फ्लावर ओपन होने से पहले, और ओपनिंग ऑफ फ्लावर इसको क्या बोलते हैं, एंथेसिस कहते हैं। तो एंथेसिस से पहले अगर पॉलिनेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं बर्ड पॉलिनेशन। जैसे पाइसम हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, और पाइसम से टाइप हम जो मेंडेलियन वर्क जिन्होंने ने किया है उसमें बर्ड पॉलिनेशन होता है, इसको याद रखना। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ पर्टिकुलर एडाप्टेशन देखते हैं किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें डाइचोगेमी, तो डाइचोगेमी का मतलब अगर मान लो कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब मेल फीमेल दोनों है, तो अब इन दोनों मेल फीमेल का जो मैच्योरेशन टाइमिंग होता है वो अलग अलग हो जाना चाहिए। जैसे अगर मान लो मेल पहले मैच्योर हो गया तो इसको बोलते हैं प्रोटेंडरी, और अगर मान लो कि फीमेल पहले मैच्योर हो गया तो ये प्रोटोगाइनी कहते हैं, प्रोटोगाइनी कंडीशंस कहा जाता है। जैसे प्रोटेंडरी में एग्जांपल हो गया सेल्विया कॉटन सनफ्लावर, और प्रोटेंडरी का एग्जांपल हो गया फाइकस एरेस्टोलोकिया एंड मेलंगिना मैंगोलिनिया। तो ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, पहला वाला था, ये थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ पोर्शन है कुछ पोर्शन है, जैसे ये पर्टिकुलर नहीं है, बाकी सब चीजें है। नेक्स्ट आ जाए इसमें यूनिसेक्सुअल। देखो अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो इसमें डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। जैसे मोनोसियस प्लांट में कोकोनट, कोकरबेट्स, कैस्टर, मेज ये सब आ जाता है, और डायोसियस प्लांट में जैसे डेट पाम है, मलबरी है, पपाया है, कैनाबिस है, तो ये सब चला आता है। तो इनको भी याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको, ठीक है। तो ये कुछ हो गया क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडॉप्टेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटेंडरी। तो प्रीपोटेंसी का मतलब इसमें क्या होता है, जो फॉरेन पॉलन होता है वो बहुत फास्ट ग्रो करता है। बेसिकली ऐसा होने से क्या होगा, पहले फॉरेन पॉलन जाके फर्टिलाइजेशन कर लेगा और सेल्फ पॉलन धीरे 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 ग्रो कर रहा, तो एक तरह से क्या हो गया वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। जैसे एप्पल और साइट्रस में हर्कोगेमी। तो हर्कोगेमी में क्या होता है बच्चों, इसमें सेम फ्लावर पे एंथर और स्टिग्मा इन दोनों के बीच में किसी तरह का फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाता है, जिससे पॉलिनेशन नहीं हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म होता है कैलोट्रोपिस प्लांट में, तो उसमें पॉलन ग्रेन सब आपस में इकट्ठा होकर पॉलिनियम बना देते हैं, एक ग्रुप ऑफ लार्ज पॉलन ग्रेन, बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन होता है, तो उसके वजह से ये क्या होता है वो उनका वजन काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब उनको ले जाने के लिए एक स्पेशल कैरियर की जरूरत होती है जिसमें कोई इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटीज या सेल्फ हॉस्टिलिटीज नेक्स्ट एडाप्टेशन है।
मतलब खुद का पॉलेन जब अगर पॉलिनेट होगा तो वो पॉलेन क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, इनकम्फर्टेबल हो जाता है तुम्हारा। जैसे प्यूटेनिया है, मालवीया है, टोबैको, एप्पल, इन सब केसेस में ऐसा देखा जाता है। ओके, तो ये तो पर्टिकुलर कुछ एडाप्टेशन था। अब आ जाते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस। एजेंट ऑफ पॉलिनेशंस को हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक में यहाँ पे दो मेन है, विंड और वाटर। और एबायोटिक में तो बहुत सारे हैं बच्चों, जैसे एनसीईआरटी में आपका इंसेक्ट के थ्रू एंटोमोफिली काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है ना, काफी अच्छे से डिस्कस किया गया तुम्हारा। जैसे एनीवे, अब एक एक करके थोड़ा देखते हैं। जैसे विंड पॉलिनेशन होता है, इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। वाटर के थ्रू होगा, हाइड्रोफिली होता है। तो सबसे ज्यादा पूरे पॉलिनेशन जो होता है बच्चों, वो विंड के थ्रू होता है, मैक्सिमम पॉलिनेशन। और वाटर के थ्रू बच्चों ओनली 13 जेनरा है, मोस्टली उसमें मोनोपोट होता है, जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंट्स में अगर हम देखें तो बायोटिक एजेंट्स में बच्चों इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, दैट इज एंटेमोफिली। एंटेमोफिली इसमें मैक्सिमम पॉलिनेशन इसके थ्रू होता है, किसके इसके थ्रू होता है, मैक्सिमम पॉलिनेशन। क्लियर है यादव? आउट ऑफ बायोटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, और उसमें भी इंसेक्ट में ये गलत लिख दिया, 80% जो है वो एंटेमोफिली में, इंसेक्ट में बी अकेला करता है 80% पॉलिनेशन। तो बी को ऐसे भी मेजर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट हम लोग कहते हैं, समझे? और एक अनुमान, एक अंदाजा लगाया जाता है कि अगर इस दुनिया से बी अगर खत्म हो जाए, मर जाए, तो क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगा बच्चों अगले 50 से 100 साल के अंदर में। ज्यादा नहीं लगेगा, 50 से 100 साल के अंदर में। तो इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं हुआ तो उस पर डिपेंडेंट जो एनिमल वो नहीं रहेंगे, और धीरे 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 पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो ऑर्निथोफिली कहते हैं, बैड के थ्रू कायरोप्टोफिली, स्नेल्स के थ्रू मेलेकोफिली, स्नैक के थ्रू ऑफियोफिली, एंट के थ्रू माइरेकोफिली, ह्यूमंस के थ्रू एंथ्रोफिली। तो ये वर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट्स अगर बना रहे हो तो नोट्स में किसी भी तरह से लिख लो और उसको याद रखना तुम लोग, ठीक है? आ जाते हैं आगे बच्चों, पॉलिनेशन बाय द विंड, दैट इज एनिमोफिली। तो एनिमोफिली में अगर हम देखते हैं, मोर कॉमन होता है एबायोटिक एजेंट्स में। मोर कॉमन किसमें होता है? एबायोटिक एजेंट्स में सबसे मोर कॉमन होता है। और इसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो इसको हम लोग बच्चों एक वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिन उड़ के पता नहीं कहाँ जाए कहाँ ना जाए, बहुत सारे पॉलिन इसमें बर्बाद हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए ये थोड़ा वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशन देखने को मिलता है, जैसे फ्लावर प्रोड्यूस करता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन, क्योंकि इसमें वेस्टफुल प्रोसेस से बहुत सारे पॉलिन बनना होगा, और ये जितने पॉलिन होते हैं वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट वेट का होना चाहिए, ताकि ये उड़ सके, डिस्पर्शन हो सके। एंड ऑफन पॉजेस वेल एक्सपोज एंड स्टिग्मा, फीमेल में क्या होता है, वेल एक्सपोज एक स्टिग्मा होता है, ठीक है? स्टिग्मा अच्छे से दिखना चाहिए और फेदरी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिन को, ये लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, जैसे ताकि एयर में जो उड़ रहे हैं ना पॉलिन उसको ट्रैप कर सके। जैसे ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो काफी फेदरी और छोटे छोटे फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर है, ताकि जब पॉलिन कहीं से उड़ता हुआ आएगा तो ये उनको क्या करेगा, ट्रैप कर सकता है, ठीक है? बच्चों मैं ईमानदारी से एक बात बोलूं तो पॉलिनेशन चीज को, ये मतलब स्पेशली एजेंट फॉर पॉलिनेशन, मैं इसको थोड़ा लाइटली कवर कर रहा हूँ। आप इसको डिटेल में पढ़ना तो स्क्रीन शॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ना, सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है? उसी तरह से पॉलिनेशन बाय द वाटर, तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन जो है वो 30 जेनरा एंजियोस्पर्म्स के, उसमें भी पहले बोला मोस्टली मोनोकोट होता है, जिसमें कॉमन एग्जांपल है वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला, ये फ्रेश वाटर है। और जोस्टेरा जो होता है मेराइन वाटर में होता है, इसको सी ग्रासेस कहते हैं। तो इन तीन प्लांट में, जोस्टेरा है, हाइड्रिला है और वेलिसिनेरिया, ये प्योरली एग्जाम्पल्स जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है बच्चों, जिनका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, हाइड्रोफिली है ये एग्जाम्पल्स में। और वेलिसिनेरिया में तो बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इस नेक्स्ट डायग्राम में समझा देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है वो रिबन के तरह नीचे इस तरह से रहता है, ये फीमेल फ्लावर, और मेल फ्लावर ऊपर की तरफ रहता है, और इसमें से पॉलन जब बाहर निकलता है तो ये पॉलन सरफेस के ऊपर इस तरह से फ्लोट कर रहा होता है। जब पॉलिनेशन करना होता है, मतलब स्टिग्मा को पॉलिन रिसीव करना होता है,
तो ये अनकॉइल्ड होता है और ये ऊपर तक जाएगा और पोलन को रिसीव करेगा, फिर से वापस से कॉइल होकर वापस से अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा। और इस तरह से वो क्या करेगा बच्चों, देखो ये फीमेल फ्लावर क्या करेगा, इस पॉलन को रिसीव कर ले इसने, और पॉलिनेशन डन। तो दैट्स पॉलिनेशन बाय द वाटर इन वेलिसियन एरिया। अब ये पॉलिनेशन में भी हो सकता है अंदर डेप्थ में हो जाए, ठीक है, या सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, इस चीज को भी ध्यान में रखें। कुछ अलग से पॉइंट्स जैसे दे रखा बच्चों यहाँ पे, नॉट ऑल द एक्वेटिक प्लांट यूज हाइड्रोफिली। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जैसे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, लोटस है, तो इनमें जो पॉलिनेशन है बच्चों ये इंसेक्ट के थ्रू या एयर के थ्रू या कोई भी दूसरे एजेंसीज के थ्रू हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक्वेटिक है तभी हाइड्रोफिली होता है, मतलब हाइड्रोफिली ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एंटोमोफिली भी हो सकता है और एनिमोफिली भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। विंड एंड वाटर पॉलिनेशन पॉलिनेटेड फ्लावर इज नॉट वेरी कलरफुल। देखो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो या विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो, अगर यहाँ पे किसी तरह का इंसेक्ट एजेंसी का यूजेस नहीं है तो फ्लावर कलरफुल हो, बदसूरत हो, नेक्टर हो ना हो, कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पॉलिनेशन किसके थ्रू है, इंसेक्ट के थ्रू, एंटेमोफिली, तो उस केसेस में प्लांट में कुछ स्पेशल अडेप्टेशन होना होगा, जैसे ब्राइट कलर का होना होगा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद रिवार्ड के तौर पे फ्लावर उसको क्या देगा, कुछ खाने के लिए देगा, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। एनीवे बायोटिक एजेंट्स में दैट इज एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसमें मेजोरिटी ऑफ द फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट यूज द एनिमल एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे बी है, बटरफ्लाई है, फ्लाइज है, बेटल है, वेस्प है, एंट है, मॉथ, बर्ड। बर्ड में बच्चों ध्यान रखना सन बर्ड है और हेमिंग बर्ड है, बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। बैट है, प्राइमेट्स हो गया जैसे ल्यूमर हो गया, एरोबैरल, अर्बोरियल जैसे टी ड्यूरल हो गया, रोडेंट, रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल में गैको लिजर्ट है और गार्डन लिजर्ट्स है, इनको याद रखना तुम लोग। तो रेप्टाइल्स भी इवन इन्वॉल्व होता है किसमें, पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होता है। अब स्पेशली इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो इसको एंटोमोफिली कहते हैं। बाकी सब चीज़ों का लिस्ट मैंने स्टार्टिंग में दे रखा था, वहाँ से नोट डाउन कर लेना तुम लोग, ठीक है। और पहले बताया बच्चों बी जो होता है मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन ये बी ही करता है, हनी बी जो है ना यही करता है, क्लियर है। एनीवे तो कुछ एडाप्टेशन जो था वो ऑलरेडी मैंने बोल दिया, बाकी तुम लोग थोड़ा इंसर्ट से पढ़ लेना। अब यहाँ पे जैसे फिग है, तो फिग में पॉलिनेशन वेस्प करता है, ऑर्किड उसमें जो बी मेल होता है वो पॉलिनेशन करता है, एक मॉथ है प्रोनोवा मॉथ होता है, यका प्लांट्स में ये पॉलिनेशन करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, तो मैंने उसको थोड़ा सा अलग करके रखा हुआ, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ अब पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलन कहाँ पहुँच गया है, स्टिग्मा पे पहुँच चुका है, तो नाउ अब पढ़ते हैं हम लोग पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्या है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस बच्चों, अगर आप यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते हुए तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है बच्चों। इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करना होता है, समझे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट, फालतू की चीजों को ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। और एक ही बुक को बार बार पढ़ना होता है, नहीं कि बार बार अलग अलग बुक को पढ़ना। तो बेटर ये रहेगा बच्चों आप जो भी बुक से पढ़ो एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करो अपने लिए। नोट्स इसलिए बोला हूं क्योंकि यही चीज है जो बच्चों आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बुक से जो कंटेंट आपने जमा किया है उसी को बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपकी मेमोरी अच्छे से बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एग्जाम में गलतियां कम होगी, मार्क्स इंप्रूव होगा और आपका सिलेक्शन होगा, समझे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना और उसी तरह से आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन जो है ये बच्चों ये क्या कहता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, इसमें बेसिकली जो पॉलिनेशन हुआ तो मतलब पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पर लैंड कर गया, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो राइट टाइप है। तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटेड द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, ठीक है ना। राइट टाइप पॉलन का मतलब कि कंपेटेबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट
जो पिस्टल होता है उसके पास एबिलिटी होता है बच्चों की, वो रिकॉग्नाइज करेगा कि वो पॉलन सही है नहीं है, मतलब कॉम्पिटेबल है या इनकॉम्पिटेबल है, समझे, मतलब राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, वो एबिलिटी होता है किसके पास, वो एबिलिटी होगा किसके पास, पिस्टल्स के पास, ठीक है। तो अगर राइट टाइप का पॉलन है तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन उसके ऊपर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद वो जर्मिनेट करेगा, तो पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पॉलन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स एंड दैट्स लीड टू द फर्टिलाइजेशन। अगर रॉन्ग टाइप का है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब फर्दर पॉलिन उसका कोई यूजेस नहीं है। और इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे ये जो पॉलन है उसमें से एक ही पॉलन अल्टीमेटली इस एम्ब्रियो शेक के अंदर आएगा और फर्टिलाइजेशन करता है, इस सिनर्जी सेल्स के थ्रू घुसेगा और एग को फर्टिलाइज करता है। ये एमसीआरटी का डायग्राम दिया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया डायग्राम है बच्चों। यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत सारे पॉलन है, तो ऐसा नहीं कि एक ही पॉलन लैंड करता है, बहुत सारे हजारों पॉलन एक ही स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और इसको फर्टिलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। देखो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो स्टिग्मा उसमें से शुगर, वाटर, बोरोन, कैल्शियम आयन ये सब रिलीज करता है और इसको एब्जॉर्ब करके पॉलन ग्रेन स्वेल करता है और स्वेल करके इस तरह से पॉलन ट्यूब, ये इसको बोलते हैं हम लोग, पॉलन ट्यूब को इमर्स करता है, समझ में आया, पॉलन ट्यूब को इमर्स करेगा, दैट मीन्स फाइनली पॉलन ट्यूब यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगा, तो पॉलन ट्यूब बच्चों अल्टीमेटली ये इंटर करेगा ओव्यूल के अंदर इंटर करेगा, जैसा कि मैंने इस वाले डायग्राम में दिखा रहा था, ठीक है। तब ये ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, फाइनली जो तेरा एग एपरेटस उसमें जो सिनर्जिड सेल्स है उसके अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस था और ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जो पॉलन ट्यूब को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरफ ये पॉलन ट्यूब ग्रो करके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि पॉलन डेवलपमेंट जो होता है वो इंसिटू भी होता है, इन विवो भी होता है और इन विट्रो भी होता है। इंसिटू का मतलब हो गया इन साइड एंथर, मतलब मदर प्लेसेस पे जहां पे पॉलन डेवलप हो रहा था वो हो गया इन साइड, इन साइड द एंथर में। अगर ये पॉलिनेट हो गया और आ गया स्टिग्मा पे तो स्टिग्मा पे भी डेवलप होता है, तो इसको बोलते हैं इन विवो। और हम चाहें तो ग्लास स्लाइड्स के ऊपर हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं, ये ग्रो किया जा सकता है। क्लियर है, अगर समझ में आया हो तो इसको भी ध्यान में रख लेना आप लोग। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इसमें, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। फाइनली अब यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब है बच्चों ओव्यूल के अंदर इंटर करने वाला है। अब ओवल के अंदर हो सकता है बच्चों कि ये माइक्रोपाइल के साइड से इंटर करें, माइक्रो पाइल इसको बोलते हैं, प्रोटो प्रो पोरोगेमी। हो सकता है चलाजल एंड के साइड से इंटर करें, तो चलाजोगेमी। हो सकता है बच्चों कि फ्यूनिकल के साइड से या एंडोगमेंट के साइड से इंटर करें, तो उसको बोलते हैं मेजोगेमी। इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो है पोरोगेमी होता है, जिसमें अल्टीमेटली जो पॉलन ट्यूब है ना वो इंटर करेगा कहाँ से, इस माइक्रोपाइलर साइड से इंटर करता है, ठीक है। चलाजोगेमी मिलेगा कैजुराइना के केसेस में और आपको मेजोगेमी जो मिलता है जिसमें इंटरगमेंट के साइड से इंटर करता है कुकरबिटास के केसेस में और फ्यूनिकल केस में क्रिस्टिया साइड से इंटर करता है, तो इसको ध्यान में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब कहीं से भी इंटर करे बच्चों, बट अल्टीमेटली इंटर करता है एम्ब्रियो शेक के अंदर थ्रू द वन ऑफ द डिजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल्स। तो पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो शेक थ्रू द डिजेनरेटिंग सेल्स, दो होता है डिजेनरेटिंग सेल, दो उसमें से किसी एक के थ्रू इंटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म एपरेटस, में तब से बोला था एपरेटस प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड इन सिनर्जिड सेल्स विच गार्ड द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब उसको गार्ड करता है कि भाई मेरे तरफ आओ और मेरे साइड से इंटर करो, जैसे इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये पॉलन ट्यूब इंटर किया सिनर्जिड सेल्स पॉलन ट्यूब एपरेटस के थ्रू और फाइनली ये जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आपका ये सिनर्जिड सेल्स का एग है, ठीक
अब यहाँ पे दो एग आएगा और फर्टिलाइज करता है। देख पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखते हैं तो ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशंस ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पोलन ड्यू एंटर द ओवम ओव्यूल टुगेदर रेफर्स द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मतलब पोलन डिपोजिशन से लेके पोलन ड्यू के ओव्यूल के अंदर इंटर करने तक की घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पोलन पिस्टल्स इंटरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, मतलब दैट्स ओनली फाउंड इन द इसमें दैट ओनली फाउंड इन द जिम्नो एंजियोस्पर्म्स में मिलता है ओनली। ठीक है, एनीवे अब इस डबल फर्टिलाइजेशन में अगर हम देखें बच्चों ये जो है एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें यहां से पोलन ट्यूब इंटर किया था, ये तो पोलन ट्यूब था। अब इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो तो मेल गैमेट आया था उसमें से वन ऑफ द मेल गैमेट ये चला गया किधर, ये पोलर न्यूक्लियाई के साइड में, और एक चला गया बच्चों ये इधर किधर इस एग के अंदर, ये एग है। तो अब जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो एक पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा और एग को फर्टिलाइज करने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट इवेंट हो गया इसमें सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, वन एग जो है प्लस वन मेल गैमेट ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे और ये बनाएंगे जाइगोट, दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और ये हैप्लॉयड है और ये भी हैप्लॉयड है। तो इसको बोलते हैं सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन या सीडो फर्टिलाइजेशन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में देख अभी भी एक मेल गैमेट तो बचा है प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस बचा है और ये फर्टिलाइज्ड होके बनाता है PEN, और PEN का इसमें देखो ये हैप्लॉयड और ये है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, N प्लस N तो मिलके हो गया डिप्लॉयड, ये बनाता है ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर PEN। PEN का फॉर्म हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियाई, और प्राइमरी एंडोस्पर्म्स न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल्स का न्यूक्लियस होता है, तो जो सेंट्रल सेल्स है ना, सेंट्रल सेल नाउ द टर्म्स एज ए PEC, PEC का फुल फॉर्म हो गया लिख लेना तुम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, और PEN हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई और PEC हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। तो इस तरह से बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। नाउ बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में यहाँ पे ध्यान रखना कि जो जायगोट है वो एम्ब्रियो बनाएगा, और जो PEN है या PEC है, कौन है PEC, तो PEC विल फॉर्म द एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशंस करता है, क्या करेगा एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशंस करता है, समझे। अब ये जो एंडोस्पर्म्स है उसी एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन तीन तरह के से होता है, एक होता है न्यूक्लियर टाइप्स का, सेलुलर टाइप्स का, और एक होता है हेलिकल टाइप का। ठीक है, तो बेसिकली ये डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है वो डिसाइड करता है कि किस तरह से चल रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा। हाँ, न्यूक्लियर टाइप जो है बच्चों, तो न्यूक्लियर टाइप में अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियर टाइप में यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर उसके बाद मतलब कैरियोकाइनेसिस होया जा रहा लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप। और सेलुलर टाइप में क्या होगा, जैसे ये PEN है, ये डिवाइड करेगा दो सेल्स, फिर डिवाइड करेगा चार सेल्स, फिर डिवाइड करेगा आठ सेल्स, 16 सेल, 32 सेल, ऐसे करके ये एंडोस्पर्म्स फॉर्म करता रहता है, तो इसको बोलते हैं सेलुलर टाइप। और इसमें क्या होता है, जैसे एक न्यूक्लियस से पहले ये बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड करके बना लेगा, फिर बाद में जाके साइटोकाइनेसिस करता है, तब जाके ये ढेर सारा इस तरह से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। और हेलिकल थोड़ा अलग ही होता है क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होता है। एनीवे एग्जांपल याद करो, सबसे मोस्ट कॉमन होता है आपका
न्यूक्लियर टाइप्स का होता है, समझे? जैसे कैप्सुला है, मेज है, वीट है, राइस है, कोकोनट, कोकोनट में जो मिल्क होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स का वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो सेलुलर एंडोस्पर्म्स है, तो सेलुलर एंडोस्पर्म्स में यहाँ पे मोनोकोट है, डाइकोट दोनों में होता है, जैसे पिटेनिया आर्टिकुलेरिया और कोकोनट। कोकोनट में कोपरा जो सॉलिड पार्ट होता है जिसको खाते हैं हम लोग, व्हाइट वाला पोर्शन, कोकोरा, तो ये सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म्स होता है, ठीक है। एनीवे हेलोबियल में मोनोकोट में मोस्टली मिलता है, और हेलोबिला, हेलोबियल्स एक प्लांट का ही नाम है तो उसमें मिलता है, इसलिए नाम रखा है हेलोबियल टाइप, हम लोगों ने नाम रख दिया है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं केमिकल नेचर देखते हैं बच्चों। तो केमिकल नेचर में अगर हम जाते हैं तो केमिकल नेचर में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो केमिकल नेचर में हम लोग देख सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म्स है उसका केमिकल नेचर क्या हो सकता है। तो केमिकल नेचर हो सकता है बच्चों इसमें स्टार्च का बना हो, जैसे सेरल्स हो गए, फैटी भी हो सकता है, मतलब फैटी डिपोजिशन कैस्टर्ड एंड कोकोनट के केसेस में, प्रोटीनियस हो सकता है जैसे मेज के केसेस में, और सेलुलर सेलुलोजिक हो सकता है, आइवरी पाम हो सकता है, हेमी सेलुलोजिक भी इवन हो सकता है, डेड पाम हो गया, एरिया एरिका नट के केसेस में होता है, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में हमें ये तीन मिलने वाला है, ये तीन एकदम याद रखना। जैसे प्रोटीनियस लेयर मेज में, तो उसमें एक लेयर होता है एलरियोन लेयर होता है, इसमें क्या होता है एलरियोन लेयर होता है मेज के केसेस में, आगे मैं दिखा दूंगा एलरियोन लेयर। तो वहां पे प्रोटीनियस एंडोस्पर्म्स होता है, तो इसका कोई भी ले लो, तो इसमें अगर पोलाइडी लेवल अगर देखते हैं एंडोस्पर्म्स का, तो मोस्ट ऑफ नेचर स्किन के केसेस में क्या होता है, ट्राइसेन, ट्रिपल एन या थ्री एन जो भी कह लो वो होता है तुम्हारा। और ओइनोथेरा जो एक प्लांट है उसमें बच्चों ये होता है, ओइनोथेरा में डिप्लॉयर होता है, ये भी एंजियोस्पर्म है लेकिन इसमें थोड़ा एक्सेप्शनल है, और जिम्नोस्पर्म्स के केसेस में ये हैप्लॉयड होता है, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट से होता है, किससे होता है, फीमेल गेमेटोफाइट से होता है। तो ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म्स का जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है हैप्लॉयड होगा, तो हैप्लॉयड पार्ट से ये डेवलप होता है, तो इसलिए एंडोस्पर्म्स कैसा हो जाता है, हैप्लॉयड हो जाता है, ठीक है। एनीवे अब आ जाते हैं हम लोग इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो जायगोट है ना वो डिवाइड होता है आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म्स फॉर्म्ड हो जाएगा, मतलब जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तभी जाके जायगोट का डिवीजन स्टार्ट होता है। इससे क्या फायदा है, देख एंडोस्पर्म्स का जो काम होता है वो क्या होता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो पहले न्यूट्रिएंट टिश्यू बनेगा तभी तो ये बनेगा ना, तो पहले न्यूट्रिएंट टिश्यू बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं एम्ब्रियो बनाते हैं। इससे क्या होगा, दिस एडाप्टेशन क्या करता है, प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, से डेवलपिंग एम्ब्रियो को एकदम 100% न्यूट्रिएंट मिलने वाला है, ठीक है। इसका सॉफ्ट कॉपी बच्चों अगर आपको चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे आपको मिलेगा, तो वहां पे सब्सक्राइब कर लेना, इसी पे मैं भेज दूंगा इसमें, ठीक है। एनीवे आगे आ जाओ, देखो अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जैसे मैं डाइकोट का बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मोनोकोट के साथ इसको कंपेयर कर लिया जाएगा, तो वहां पे इसको देख लेंगे इसमें। तो ये जो जायगोट है, तो जायगोट में एक डिवीजन हो गया माइटोसिस, तो दो सेल्स बनता है, एक बड़ा और एक छोटा, तो ऊपर वाला सस्पेंशन सेल, नीचे वाला एम्ब्रियोनल सेल्स। अब जो सस्पेंशन सेल्स है वो सस्पेंसर बनाएगा और एम्ब्रियोनल सेल से ये एम्ब्रियो बनाता है। तो एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर देखो ग्लोबुलर स्टेज में आ गया, ये ग्लोबुलर स्टेज हो गया, और जो सस्पेंशन है ये सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन, सस्पेंशन का जो फर्स्ट सेल होता है बड़ा सा, उसको बोलते हैं हॉस्टरल सेल्स कहते हैं। हॉस्टरल सेल सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, इसको पास करेगा सस्पेंशन को, सस्पेंशन फाइनली इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को पहुंचा देता है। और ये जब ग्लोबुलर स्टेज से, मतलब ग्लोबुलर स्टेज में जब रहता है बच्चों, तो ग्लोबुलर स्टेज में यहाँ पे तीन अलग अलग लेयर में डेवलप हो जाता है, जैसे सबसे बाहर डर्मेटोजेंस, उसके बाद ग्राउंड मेरिस्टम, और सबसे अंदर जो होता है प्रोकैम्बियम होता है जो कि आगे चल के वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। और जहां से सस्पेंशन खत्म होता है वहां पे जो टिश्यू होता है वो रूट टिप का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, और उसका जो सस्पेंशन का जो सबसे पहला सेल्स कह लो, ये फर्स्ट सेल्स जो होता है वो रूट कैप का डेवलपमेंट कर रहा होता है, समझे, ये क्या कर रहा होगा, रूट कैप का डेवलपमेंट कर रहा होता है तुम्हारा, इसमें कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, रूट कैप का डेवलपमेंट कर रहा होगा, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एनीवे ये देखो यहाँ पे लिखा सस्पेंशन,
होस्टेरल सेल्स, ये पूरा यहाँ से यहाँ सस्पेंशन, और ये पूरा का पूरा पोर्शन एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो इसमें ग्लोबुलर स्टेज में। ग्लोबुलर स्टेज के बाद इस तरह से आ जाता है हार्ट शेप स्टेज आ जाता है, इसमें आ जाएगा हार्ट स्टेज में आ जाता है, और हार्ट स्टेज के बाद फाइनली ये मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और यही मैच्योर एम्ब्रियो और फर्दर डेवलप होता है बच्चों, यहाँ पे रेडिकल और यहाँ पे प्लीम्यूल्स पोर्शन दिखा रहा होता है, रेडिकल एंड प्लीम्यूल, ये वाला डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे प्लीम्यूल होता है और यहाँ पे रेडिकल्स होता है, और जस्ट इसके नीचे रूट कैप होता है, और यहीं पे ये सस्पेंशन अटैच था, बाद में ये सस्पेंशन हट जाएगा और एंडोस्पर्म्स इसके सराउंडिंग में बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका डाइकोट का हो गया। तो अर्ली स्टेज जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का बच्चों, वो मोनोकोट और डाइकोट दोनों का सिमिलर होता है इनिशियल स्टेज, भलो आगे चल के थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, तो डिफरेंट क्या आता है वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, साथ में देखो बच्चों, ये जो हार्ट शेप जब स्ट्रक्चर रिक्वायर करता है, इस तरह से हार्ट शेप स्ट्रक्चर रिक्वायर करता है, और यहाँ पे प्लीम्यूल और रेडिकल्स बनता है, तो ये जो आउटग्रोथ जो निकल रहा है ना, यही आगे चल के क्या बना लेता है, कॉटिलीडेंस। तो ये पोर्शन जो है दिख रहा है ना, ये पोर्शन आगे चल के कॉटिलीडेंस में हो जाता है, तो ये दोनों पार्ट जो दिख रहे हैं आपको, ये कॉटिलीडेंस है। क्या ये कॉटिलीडेंस होता है तुम्हारा? ठीक है, तो जैसे कॉटिलीडेंस में देखा होगा दाल में दो कॉटिलीडेंस होता है ना दोनों साइड में, तो वही कॉटिलीडेंस यहाँ पे डेवलप होता है। तो कॉटिलीडेंस एक तरह से न्यूट्रिटिव लेयर होता है, और आगे हम देखेंगे कि ये डाइकोट में मिलता है, मोनोकोट में तो नहीं होता है, एक ही कॉटिलीडन होता है उसमें। ठीक है, अब दोनों में इनिशियली तो डेवलपमेंट स्टेज में अंतर क्या होता है, ठीक है, अंतर क्या होता है उसको देखेंगे। तो पहले इससे पहले हम लोग मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मोनोकोट स्ट्रक्चर्स में बच्चों देखो, यही वाला है एलेरियन जो कि प्रोटीनियस, ये मेज का सीड है और ये मेज का एम्ब्रियो वाला पोर्शन। ये जो एम्ब्रियो दिख रहा है ये ग्रास का है, ध्यान रखना ये किसका है, ये ग्रास का है, समझे। अब इस ग्रास के एम्ब्रियो में क्या खास है देखो, यहाँ पे देखते हैं कंपेयर करके। देखो प्लीम्यूल है, रेडिकल है, प्लीम्यूल है, रेडिकल्स। अब प्लीम्यूल्स कॉलियोपेटाइल और कॉलियोराइजा, ये प्रोटेक्टिंग लेयर होता है कॉलियोपेटाइल और कॉलियोराइजा। तो ये प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट कौन करता है, कॉलियोपेटाइल करता है। ठीक है, कौन करेगा, कॉलियोपेटाइल्स करता है तुम्हारा, ठीक है, और कॉलियोराइजा भी करेगा, किसका करेगा, ध्यान देना इसमें, कॉलियोपेटाइल को प्लीम्यूल्स का, कॉलियोराइजा रेडिकल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक शील्ड शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे एक तरह से शील्ड शेप के फॉर्म में रहता है, और नीचे से भी इस तरह से शील्ड शेप के फॉर्म में रहता है जो कि रेडिकल्स को प्रोटेक्ट करने वाला है, कॉलियोराइजा। अब यहाँ पे एक पीछे से बड़ा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एस्क्यूटेलम। क्या है, एस्क्यूटेलम्स। एस्क्यूटेलम्स एक्चुअली में क्या होता है, ये मोनोकोट प्लांट का कॉटिलीडेंस है, ये मोनोकोट प्लांट का क्या है, कॉटिलीडेंस, समझे। और आपके डाइकोट प्लांट में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो इस तरह से क्या मिलता है हम लोग को, ईपी ब्लास्ट दिखता है। क्या दिखता है, ईपी ब्लास्ट दिखता है। तो ईपी ब्लास्ट एक्चुअली में ये रिड्यूस्ड फॉर्म है किसका, दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म होता है किसका, ये सेकेंड कॉटिलीडेंस का। एक्चुअली में ये जस्ट रिमेन्स है, उसका एक छोटा सा बचा हुआ पार्ट है जो कि सेकेंड कॉटिलीडेंस को होने की मौजूदगी बता रहा है। ठीक है, याद रखना इसमें। आगे बढ़ते हैं, डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो में डिफरेंस क्या है, मैंने बोला दोनों का इनिशियल स्टेज तो सेम ही है, डिफरेंट क्या है। तो पहला जो है सस्पेंशन बच्चों, डाइकोट में 6 to 10 सेल्स का होता है, और मोनोकोट में जो सस्पेंशन होता है 1 सेल्स का बना हुआ होता है। हाइपोफाइसिस विल फॉर्म द रेडिकल टिप। हाइपोफाइसिस जो होता है, हाइपोफाइसिस ये वाला सेल्स जो है बच्चों, इसको देख लो जरा, यहाँ पे ये जो रूट कैप लिखा है ना, यही है हाइपोफाइसिस सेल्स, दैट द हाइपोफाइसिस सेल्स, और यही हाइपोफाइसिस सेल्स आगे चल के रूट टिप बनाता है, बट डाइकोट में हाइपोफाइसिस ही नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉटिलीडन होता है, यहाँ पे ओनली 1 कॉटिलीडेंस प्रेजेंट होता है, 1 कॉटिलीडेंस प्रेजेंट होता है। साथ में हमने और बताया था बच्चों कि जो प्लीम्यूल और रेडिकल्स को प्रोटेक्ट करना है वो कॉटिलेकोपेटाइल और कॉलियोराइजा, ये ओनली डाइकोट में मिलता है, कॉलियोपेटाइल एंड कॉलियोराइजा ओनली प्रेजेंट इन डाइकोट प्लांट में, मोनोकोट में नहीं होता, अब्सेंट होता है। ठीक है, उसमें अब्सेंट होता है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा आपको, क्लियर है। एनीवे, अब हम लोग एक थोड़ा सा समरी देखते हैं कि आखिर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या अभी बता दिया कि मैंने बताया कि जायगोट जो है वो बना लेगा एम्ब्रियो, बन चुका है,
और PEN जो था या PEC जो था वो बना लेता है इंडो स्पर्म्स. बाकी रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स जैसे ओवरी विल डेवलप इनटू द फ्रूट, ओवरी वॉल डेवलप इनटू द फ्रूट वॉल, ओव्यूल जो होता है दैट विल डेवलप इनटू द सीड, इंटरगमेंट जो होता है दैट विल डेवलप इनटू द इंटरगमेंट जो होता है सीड कोट. बच्चों मैंने देखो पहले ही बोला था ये क्लास जो है ये 1.5 से 2 घंटे तक का होता है. अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, थोड़ा सा बचा हुआ अब खत्म हो जाएगा हार्डली, मान के चलो 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर दूंगा इसको. ठीक है, तो पेशेंस कीप पेशेंस, पेशेंस रखो इसमें कंप्लीट कर दूंगा. इंटरगमेंट सीड कोट बनाता है और इंटरगमेंट में बच्चों 2 लेयर होता है टेस्टा और टेगमिना. सीड कोट में यहाँ पे टेस्टा और टैगमीन याद रखना. देखो यहाँ पर लिखा आउटर टेस्टा और इनर टैगमीन बनाता है तुम्हारा. न्यूसेलस जनरली डिजेनरेट कर जाता है बट कुछ प्लांट में ये पेरिस्पंस के फॉर्म में रहता है जैसे ब्लैक पेपर है ना, बीट, इसमें ये एग्जांपल भी याद रखना आप लोग. और माइक्रोपाइल इन ओव्यूल्स क्या करेगा, माइक्रोपाइल इन ओव्यूल्स क्या करता है, ये आपका सीड में एक छोटा सा होल के फॉर्म में रहता है. ठीक है, एक स्मॉल सा होल के फॉर्म में रहता है, पोर्स के फॉर्म में रहता है फॉर द गैसेस एक्सचेंज के लिए. ठीक है, दैट मींस अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों जो सीड होता है टिपिकल सीड होता है कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलीडंस और एम्ब्रियो एक्सिस या एम्ब्रियो से बना हुआ रहता है. तो यहाँ पे ये कैस्टर किसका है, कैस्टर सीड है ये. कैस्टर सीड में देखो सबसे बाहर सीड कोट है, फिर इसके बीच में ये एंडोस्पर्म्स है और ये कॉटिलीडंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे एम्ब्रियो होगा तुम्हारा. ठीक है, तो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और इस एम्ब्रियो में देखो शूट एपिकल मेरिस्टम दिख रहा है और रूट टिप भी दिख रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है. दैट्स क्लियर. एनीवे चलो आगे आ जाते हैं. अब जो सीड है बच्चों 2 तरह का सीड होता है, एक होता है नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड होता है. मैच्योर सीड में भी क्या हो सकता है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस. नॉन एल्बुमिनस को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, दैट मींस इसमें जो एंडोस्पर्म्स होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है. तो ज्यादातर केसेस में ये आपके डाइकोट जो सीड होता है वो होता है नॉन एल्बुमिनस सीड होता है. और एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड बच्चों इसमें एंडोस्पर्म्स बचा हुआ रह जाता है जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर, इसमें ज्यादातर केसेस में मोनोकोट एग्जांपल्स में होता है, मोनोकोट एग्जांपल्स में मिलता है, तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है. ठीक है, अच्छा कुछ एक्सेप्शन इज देयर जैसे ये कैस्टर्ड है, तो कैस्टर्ड जो है बच्चों, ठीक है कैस्टर्ड, अच्छा चलो कोई बात नहीं इसमें आगे देख लेंगे, इसमें कभी आगे बढ़ते हैं. सीड वायबिलिटी एंड सीड वायबिलिटी, तो सीड वायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड फॉर विच द सीड रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट. देखो सीड वायबिलिटी को पता करने का कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका है नहीं या कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि उसको हम लोग पता लगाएं. तो बेसिकली सीड को हम रख के उसके वायबिलिटीज को पता लगाते हैं. तो सीड वायबिलिटी जो है ये उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है एज वेल एज द एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर. ये 2 फैक्टर पॉलन ग्रेन के वायबिलिटी पे भी फैक्टर डालता था और यहाँ पे भी सीड में भी देखते हैं. तो सीड वायबिलिटी में जैसे कुछ सीड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑक्सेलिस है तो उसमें फ्यू डे होता है, ट्राइफोलियम है 100 ईयर, लोटस है 1000 ईयर, डेड पाम है 2000 ईयर. समझे, अब ये कैसे पता चला कि 2000 ईयर इसमें है, तो बेसिकली किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी के पास एक सीड मिला डेड पाम का और उसको जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो देखा ये वाइबल और 2000 साल पुराना है, मतलब उनका वाइबिलिटी 2000 ईयर है. अगर मान लो ये 4000 साल पुराना मिलता तो हम यहाँ बोलते कि 4000 उसकी वाइबिलिटी है, तो पर्टिकुलरली हमें पता ही नहीं है. एनसीईआरटी में बच्चों ये कुछ डायग्राम दे रखा है जिसमें डायग्राम में देखना ये बीन है, ये कैस्टर है, ये ऑनियन सीड, ऑनियन का एम्ब्रियो है और ये पता ही है किसका है, मेज का है. ठीक है,
तो ये सारे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है, आगे चलते हैं। और ये फ्रूट का सेक्शन है बच्चों, यहाँ पे अकीन फ्रूट दिखाना जा रहा, स्ट्रॉबेरी है ये, और ये एप्पल होता है, तो एप्पल और ये दोनों फॉल्स फ्रूट के कैटेगरीज में आ जाता है। तो फ्रूट वाला जो पोर्शन है मैं ये मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करूंगा, तो वहां पे देख लेना आप लोग, ठीक है। लास्ट दो टॉपिक है बच्चों, एपोमेक्सिस एंड पॉलीमरेनी, इसके बाद ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एपोमेक्सिस मतलब एपो मींस होता है विदाउट, एमेक्सिस मतलब फ्यूजन, विदाउट फ्यूजन। तो इसका डेफिनेशन हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय एसेक्सुअल मेथड, बट एसेक्सुअल मेथड में क्या है, विच मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग द सीड फॉर्मेशन बट डज नॉट इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ गैमेट। एक गैमेट का फ्यूजन है तो इसी को एगैमोस्पर्मी भी कहते हैं। तो प्लांट में कुछ स्पेसिफिक एडॉप्टेशन होता है बच्चों, कुछ स्पेशल इन्होंने मैकेनिज्म डेवलप करके रखा है जिसमें है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, सीड फॉर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं एपोमेक्सिस कहा जाता है। अब इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनको एपोमिटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, समझे। मतलब द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग थ्रू द एपोमेक्सिस दैट कॉल्ड एज द एपोमेटिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एस्ट्रेसिस फैमिली के मेंबर और पोएसिस फैमिलीज के मेंबर, तो ये दो एग्जांपल अच्छे से याद रखना, ये दोनों के दोनों इसमें होता है, क्लियर है। अब इसमें कुछ मेथड डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे एपोमेक्सिस है, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। तो एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरिस, तो इसमें मान लो कि ये दोनों पोर्शन किससे डेवलप होता है, न्यूक्लियस से सीधा डायरेक्टली क्या बच्चों डेवलप हो जाए, एम्ब्रियो से। तो ये एम्ब्रियो से क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड होने के नाते इसमें क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन का सीधे इसमें ये डेवलप हो जाएगा, किसमें, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, उसका एग जो होता है एग भी डिप्लॉयड हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो इसमें जैसे एप्पल स्पोरोफिटिक बडिंग अगर हम देखते हैं, तो स्पोरोफिटिक बडिंग में तो अगर मान लो न्यूसेलस जो है, ठीक है, न्यूसेलस ध्यान में रखना, किसका, न्यूसेलस, और न्यूसेलस से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, नॉट इसमें एम्ब्रियो शेक नहीं बना कर सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग, एडवेंटिशियस बडिंग भी कहते हैं। जैसे मैंगो है, ऑनियन है, साइट्रस फ्रूट्स हो गया तुम्हारा, इन सब में होता है। एप्लोस्पोरी, तो एप्लोस्पोरी जो होता है इसमें बच्चों एग जो होता है, एग होता है हैप्लोइड, और इससे सीधा अगर मान ले बिना फर्टिलाइजेशन का, जैसे पार्थेनोकार्पिक जैसे हो गया ना, ये सीधा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, तो एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, हैप्लोइड। तो इस केसेस में सीड नहीं होता, जैसे कि एग्जांपल है बनाना, इसमें सीड अब्सेंट होता है, सीड यहां लिख देता हूं, सीड अब्सेंट होता है इस केस में, ठीक है। तो ये है एपोमिक्सिंग के डिफरेंट टाइप के मेथड है। लास्ट है बच्चों आपका पॉली एम्ब्रियोनी, तो पॉली मींस होता है मेनी, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो। तो जनरली क्या होता है कि एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, बट अगर मान लो एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गया तो उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। दैट मींस क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन स्टेट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस। अब इन एडिशनल मतलब एक तो एम्ब्रियो नॉर्मली बना है जैसे बता रहे हैं तब से, एडिशनल एम्ब्रियो कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओव्यूल, लाइक जैसे सिनर्जिक सेल्स बना दे, या एंटीपोडल बना दे, या न्यूसेलस बना दे, या इंटरगमेंट्स बना दे। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, एग्जांपल है बच्चों किसके, पॉलीएम्ब्रियोनिक का, जैसे साइट्रस प्लांट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ऑनियन हो गया, ओपेंशिया हो गया, मैंगीफेरा हो गया। तो ये सब अलग अलग प्लांट है जिनमें ये बनता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। नाउ ये हम लोग का बच्चों यहाँ पे खत्म हो गया, ये पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन था। आई होप आप सभी लोगों ने इस चीज को एंजॉय किया होगा बच्चों। तो अभी इसी के साथ मैं इस चैप्टर को करता हूँ समाप्त बच्चों, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना, स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेना जो एनसीईआरटी से नहीं था, जैसे लास्ट वाला पॉइंट था उसको मैंने थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों को तो लाइक कर देना, है ना, और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे बच्चों मुझे मोटिवेशन मिलता है, जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे थोड़ा मुझे कमाने का भी मौका मिलेगा, ठीक है, और आप लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा एज अ वी फैमिली, ठीक है ना। तो भैया मेरी हेल्प करनी है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, थोड़ा शेयर लाइक भी करना पड़ेगा। आप मुझे मेरे सोशल नेटवर्क पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और ये ट्विटर है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल बच्चों, यहाँ पे मैं लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और जब भी वीडियो कुछ अपलोड करूँगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल बेस्ट, बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहो अच्छे से और लर्न करते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। चलो बाय बाय।